क्वेश्चन 9 का ए है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डीएक्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो सवाल एनसीईआरटी यानी थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा अलग ही लेवल में सवाल जाने वाला है। तो इस सवाल को क्या करेंगे, शुरुआत से पहले अलग तरीके से रहेगा। हमने इसको आंसर बन से किया ना, सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा नया ट्रिक से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको हम लोग ले सकते हैं क्या 4 माइनस 3। कैसे ले सकते हैं, ऐसे करके लिख लिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, हमें एक ही लाना था। ऐसे यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1। अब ये इस फॉर्म पे क्यों लिखा है, इसके लिए देखो ध्यान से नीचे, यहाँ 4 और 3 के फॉर्म पे सबको तोड़ दिया गया, यहाँ 1 था यहाँ 2 था, हमने नीचे के साथ तोड़ा ताकि 4 और 3 पूरा कॉम्बिनेशन बन सके। 3 था और यहाँ पे 4 था, तो उसके हिसाब से 1 को 4 माइनस 3 क्या 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे 4 2 लाए तो 3 में से 2। अब गुणा करेंगे, देखो ध्यान से गुणा कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 है। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4 किस में होगा, इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मिल जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, 1 में हो गया। अब 3 का गुणा इसमें करें तो आएगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अपॉन में चल रहा था, चलते रहेगा, इसको लिखना भूल गए, इसको वापस लिख लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने में इतना मिला, अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 4 किसके साथ है, सभी के साथ है, तो ये सभी के साथ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया, माइनस लगाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसके नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसे माइनस 3 करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कट क्या कह रहा है यहाँ पे, और इंटीग्रेशन अभी चल रहा है पूरे में, तो यहाँ पे देखो पूरा पूरा ध्यान से देखो, पूरा पूरा कट रहा है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, इसको छोटा करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, यानी इसको एक सिंपल फॉर्म पर लिख लेते हैं, तो ये 1 का इंटीग्रेशन अलग से हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बचा, यहाँ पर माइनस 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा, और यहाँ पर बचा 3 अपॉन 1 अपॉन इतना बचा, यानी इस फॉर्मेट को क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अब ये तो चाहे तो इसको आंसर से कर सकते हैं, या फिर और लंबा हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 का समाकलन x होता है, x आ जाएगा, ये फॉर्मूला रूट 3 का होता है, तो पहले इसको लिख के दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर 3 किसका होता है, रूट 3 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 3 है बाहर और 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ dx रहेगा। ऐसे अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, तो हम इसका अगर लासा लेके सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी है। जैसे मान लो एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 3 लिखा और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अलग अलग लिख लिया, अब देखो ऊपर कॉमन 1 है, तो हमें कैसे करना है कि घटाने पर 1 है, जोड़ने पर 1 तो आने से घटाने पर हमने माइनस लगा लिया और लासा लिया, इतना मिलेगा लासा करने पर, तो 3 कटेगा 4 वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, और माइनस लगाया तो निशान बदल जाएगा, तो 4 कटेगा 3 आ जाएगा, तो माइनस का ये आ जाएगा, तो यहाँ ये कट के 4 3 1, यानी पूरा पार्ट मैच हो रहा है। इस पार्ट को हम लोग ऐसे करके दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, तो ले सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक पार्ट हो गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक सेकेंड पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर, अब देखोगे तो यहाँ पे तो बन चुका है ये फॉर्मूला, बनना 1 अपॉन ए, ये फॉर्मूला चूंकि एक फॉर्मूला होता है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बनना, एक्स अपॉन ए, तो ए यहाँ कितना रूट 3 है, तो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए रूट 3 हो गया, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये रूट 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2 है तो क्या बनेगा, 1 अपॉन ए यानी 3 अपॉन 2 बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अलग इंटीग्रेशन, अब 3 को ले सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, ये भी इसी के फॉर्मेट में आ गया, चाहे तो पहले सॉल्व कर लेते, अब हमने कर लिया तो अब इतना रहने देते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा। एक काम करते ना, इस स्टेप को वापस लिख के उसी से मैच कराएं तो टाइम भी बचेगा और स्टेप भी छोटी हो जाएंगी, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 ठीक है, लेकिन इसको वापस उसी फॉर्म में लिख दे, जिससे हमें देखने में आसान रहेगा और करने में आसान रहेगा, इसी को अभी तोड़ते नहीं है। तो अब यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहाँ जो गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, यहाँ पे आएगा -3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देखेंगे 3 वाले ये भी मैच हो रहे हैं और 4 वाला भी मैच हो रहा है,
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, x तो चल ही रहा था आगे, थ्री वाला माइनस का है और एक प्लस का है, तो तीन और ये एक कितने हो जाएंगे माइनस प्लस का, टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आ गया। अब बात करते हैं फोर वाले के, माइनस तीन हो गया माइनस का छः हो जाएगा, सवाल काफी छोटा हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ गया। ठीक है, समझा गया इतनी बात कैसे हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पे तीन किसका स्क्वायर होता है, जैसे पिछली बार भी किया था रूट थ्री का, डायड कर सकते हैं टू अपॉन रूट थ्री टेन वर्ड्स एक्स एक्स है, एक कितना था रूट थ्री का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस सिक्स। यहाँ भी चार किसका स्क्वायर दो का होता है टू आ जाएगा नीचे वन अपॉन टू ए फॉर्मले से, और टेन वर्ड्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ए कितना यहाँ पर दो प्लस सी। अब ये खत्म हो गया, अब थोड़ा हम कट कर सकते हैं, दो से तीन कट गया, बाकी कुछ कटेगा तो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन रूट थ्री टेन वर्ड्स एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस थ्री टेन वर्ड्स एक्स अपॉन टू प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन का भी है इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये सवाल पहले से आंसर भी दिया गया है, कुछ स्पेशल नहीं करना है, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला काम आंसर बिन के रूप में, जब आंसर बिन के रूप में लिखेंगे तो पहला काम क्या करना होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा ए अपॉन कितना नीचे कितना एक्स माइनस वन, फिर बी के साथ क्या आएगा। अब देखो होल स्क्वायर है मतलब दो बार लिखना है, तो दो के बाद लिखने के लिए क्या लिखेंगे, इसके बी और सी फॉर्म लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अंदर स्क्वायर लगा है तो इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ऐसा ही काम यहाँ, अब सी के बाद क्या आएगा डी, तो डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज हमें एलसीएम नहीं मिलेगा, बता चुके इस बात को कई बार, हम कैसे करेंगे, तो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे चलता रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ पे होल स्क्वायर और ये कट जाएगा, लेकिन पहले एलसीएम लेके पूरा कर लेते हैं, तो ए के साथ क्या आएगा एक्स माइनस वन करेगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, बी एक्स प्लस सी के साथ जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन कटेगा यहाँ पर, तो एक्स माइनस वन बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो एक होल स्क्वायर बचेगा यानी एक स्क्वायर बच जाएगा भाई, होल स्क्वायर दो बार था, एक कटा एक बचा। अब यहाँ पर करेंगे डी एक्स प्लस ई के साथ तो क्या मिलेगा, पूरा पार्ट कटेगा सिर्फ केवल एक्स माइनस वन मिल जाएगा, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो ये पार्ट कटेगा इक्वल में चल रहा है एक्स प्लस वन। अब देखो ध्यान से आप फॉर्मूला खोलेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर तो क्या बनेगा यहाँ पर ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब चार हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी आएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे पहले इन लोगों का आपस में कर लेते हैं इन दोनों का, फिर बाद में बी एक्स से करेंगे, तो क्या अगर बनेगा एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे डी का तो आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स हो जाएगा, ई से करेंगे तो आएगा ई एक्स माइनस ई आ जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें मिलेगा ए एक्स की पावर फोर प्लस ए प्लस टू ए एक्स स्क्वायर, यहाँ बी से करेंगे तो मिलेगा हम लोग को बी एक्स की घात चार प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स की घात तीन माइनस बी एक्स। अब सी से करेंगे तो मिलेगा हम लोग को सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी, इतना सारा मल्टीप्लाई मिला ढेर सारा, ऐसे यहाँ तो कुछ करना है नहीं, इसको ऐसे रख देते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है, पहले कोई निशान तो है नहीं, तो ब्रैकेट को ओपन करके सीधे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, जहाँ तक कर पाएंगे प्लस ई एक्स माइनस ई, इतनी सारी इक्वेशन बनेंगे बहुत सारी। तो एक्स प्लस वन ऐसे रखा, अब एक्स की घात चार कहाँ पर कोई और दूसरा है, दो है तो ए प्लस बी हो जाएगा, चार घात वाले एक ये कोई और दिख रहा है नहीं है। अब बात करेंगे एक्स क्यूब वाले की, एक्स क्यूब में कौन कौन सा दिख रहा है, केवल हमें एक बी दिख रहा है एक सी आ रहा है दो ची आ रही, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का बी और प्लस का सी आ गया। अब एक्स स्क्वायर की बारी है, कौन कौन एक्स स्क्वायर में आएगा, तो आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर में टू ए प्लस बी और माइनस सी प्लस डी, इतना आ जाएगा। अब कौन सा बचेगा, एक्स वाला बचेगा तो प्लस का एक्स, तो एक्स में कौन कौन बच रहा है यहाँ पे देखोगे तो माइनस का बी, तो माइनस का बी एक्स हो जाएगा था, तो बी बचा केवल यहाँ पे, फिर प्लस का सी एक्स में सी बचेगा और फिर माइनस डी एक्स में डी बचेगा, फिर ई एक्स में ई बचेगा। अब जो बचे हैं बिना एक्स वाले बचे हैं, तो सब शुरुआत होती है ए से, यहाँ पे ए है पहला यहाँ पर पार्ट, तो ए बचा, ए के बाद देखेंगे तो यहाँ पर माइनस सी बच रहा है और सी के बाद माइनस ई बच रहा है। अब यहाँ काउंट कर लो, कोई छूट तो नहीं कि इतने सारे मल्टीप्लाई करने पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पार्ट है, तो तीन चार सात सात चार ग्यारह ग्यारह और दो तेरह तेरह दो पंद्रह, यानी सारे पार्ट है। अब यहाँ तुलना करने स्टार्ट करेंगे,
तुलना करने में क्या मिलेगा, एक्स का चार नहीं मतलब ए प्लस बी बराबर हमें मिल गया जीरो। इक्वेशन फर्स्ट ऐसे क्यूब नहीं है तो माइनस बी प्लस सी मिल गया जीरो। इक्वेशन सेकंड एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो नहीं है, वो भी तो मिलेगा टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर करता है, अब एक्स वाले की बात करें तो मैच हो रहा है यहाँ पर, तो आएगा माइनस का बी प्लस का सी माइनस का डी प्लस का ई इक्वल टू वन। ये इक्वेशन बनी है थर्ड, ये बनी है फोर और लास्ट है ए माइनस सी माइनस ई, तो ए माइनस सी माइनस ई इक्वल टू किसके वन के। तो इक्वेशन पांच इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है। अब पांचों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है जिससे ए बी सी डी ई के मान सारे निकाल सकें। तो उसके लिए हम लोग समीकरण एक और दो की हेल्प लेंगे पहले। तो देखो यहाँ कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हमें यहाँ बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो कैसे करें ताकि समीकरण बन सके, तो हम लोग जैसे बड़े समीकरण को छोटा करने कैसे करें, उसके लिए हम इनका यूज़ करें तो इनका यूज़ करते हैं। समीकरण अगर देखेंगे तो समीकरण एक और दो की हेल्प से क्या मिलेगा, तो समीकरण एक से हमें क्या मिलेगा, ए बराबर माइनस बी मिलेगा। और अगर यहाँ देखें तो माइनस बी बराबर हमें मिल रहा है माइनस सी, मतलब बी का मान सी। इसका मतलब ये बराबर क्या हो रहा है कह सकते हैं हम लोग, अगर हम माइनस लगा रहे तो ये माइनस का सी बन रहा है, मतलब ए बराबर माइनस बी बराबर माइनस सी मिल रहा है ना। मेन रिजल्ट क्या है, ए बराबर माइनस बी माइनस सी, यानी कि ए की जगह हम माइनस बी ले सकते हैं या फिर बी की जगह सी। तो ये सारे मान रखेंगे कैसे, अब ए है तो हम माइनस सी रखेंगे, तो जहाँ से सारे मान दिए हम क्या करें सबको सी के फॉर्म में बना लेते हैं। तो समीकरण तीन और चार और पाँच में हम लोग सबको सी बना लेते हैं, जितने ए बी हैं वो सब सी बना लेंगे। कैसे बनेंगे देखो, तो समीकरण तीन रखते हैं तो जहाँ टू ए है तो ए की वैल्यू क्या है, अगर हम सी की बात करें ए क्या है माइनस सी के बराबर है, तो क्या आ जाएगा समीकरण तीन में, देखिए बहुत कन्फ्यूजन बढ़ेगा, बहुत ध्यान देखिएगा। समीकरण तीन में क्या टू ए प्लस बी माइनस सी है, तो यहाँ टू ए है तो ए की वैल्यू इतनी है तो सी कितना हो माइनस टू सी हो जाएगा। बी की जगह हम लोग रखने वाले हैं, अब बी ए को माइनस लगेगा तो माइनस में यहाँ कट जाएगा, तो बी की वैल्यू किसके बराबर है सी के बराबर है। अगर यहाँ पे देखें तो ए के हिसाब से ये बन रहा है, बी के हिसाब से ये बन जाएगा, तो बी की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर सी रख देंगे, यहाँ माइनस सी है यहाँ डी आ जाएगा बराबर जीरो। तो हल करने पर देखो सी सी कट गया तो माइनस टू सी प्लस डी, समीकरण नंबर छः बना लिया हमने सी और डी के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब बात करते हैं समीकरण चार की, तो समीकरण चार हल करेंगे तो यहाँ माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई है, तो यहाँ पे वही करेंगे माइनस बी किसके बराबर है माइनस सी के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी और माइनस सी पहले प्लस सी पहले था बगल में, इसके बाद यहाँ पे डी और ये, तो एक काम हमें और करना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पे ई हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम करते हैं चार और पाँच को पहले हल करके हम लोग ई को ही हटा देते हैं। तो समीकरण चार और पाँच को, तो समीकरण चार और पाँच को हल करेंगे, चार के माइनस बी प्लस सी माइनस डी और ई को हल करेंगे, उसके नीचे लिख के दिखाते हैं आपको ताकि समझ में आसानी से आ सके। ए माइनस सी माइनस ई बराबर वन, तो यहाँ देखो ई से ई पहले कट रहा है सी से यहाँ कट रहा है, क्या मिल रहा है ए माइनस बी माइनस डी बराबर दो मिल गया। ठीक है, हमें एक नया समीकरण मिल गया, बन गया सातवां समीकरण। अब इससे क्या फायदा होगा, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो समीकरण बनाया था सी और डी के फॉर्मेट था, इसको हम सी और डी के फॉर्मेट में रख लेते हैं। तो अब यहाँ भी हम लोग ए और बी के मान रखेंगे समीकरण दो सात में, तो ए व बी के मान समीकरण सात में रखने पर, जब सात में जब रखेंगे तो क्या बनेगा देखो, ए की जगह हम क्या रखने वाले माइनस बी है ना, और यार कह सकते हैं एक अच्छा दिखाए थे माइनस बी रखा माइनस बी माइनस डी टू बन गया, तो अब बी का मान किसके बराबर सी का, तो यहाँ माइनस बी क्या होगा माइनस टू भी होगा माइनस डी हो गया। अब यहाँ पे बी वहाँ किसके बराबर सी के बराबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का टू सी माइनस का डी बराबर समीकरण नंबर बन गया आठ। अब हम लोग समीकरण नंबर छः और आठ को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है बन गया है काफ़ी सिंपल फॉर्मेट में आ चुका है। तो समीकरण छः और आठ को हल करने पर तो छठा है माइनस टू सी प्लस डी, इसके बाद यहाँ माइनस टू सी माइनस डी और बराबर में क्या चल रहा है इसके, यहाँ बराबर में कैसे जीरो था, बराबर में जीरो चल रहा था, इस वाले में क्या है माइनस टू सी माइनस डी इक्वल टू टू, तो यहाँ डी से डी कट रहा है टू सी माइनस का फोर सी हो गया, यहाँ पर टू आगे टू सी टू कटेगा सी इक्वल टू आगे माइनस का वन बाय टू, क्योंकि टू इधर बचे काटने के बाद, तो ये सी का मान। अब देखो यहाँ से जो हम लोग के सोल्यूशन था ना, अब यहाँ से रिजल्ट आना इसका मिलना स्टार्ट हो गया, जो समस्या जो सॉल्व होना स्टार्ट हो। सी जो है किसके बराबर है, यहाँ से कई बार निकाला सी किसके बराबर बी के, तो चूंकि बी बराबर सी है इसलिए बी का मान कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू। अब इसी तरह आप कह सकते हैं कि चूंकि ए बराबर है माइनस बी के है ना, ए किसके बराबर था माइनस बी के, तो ए की जगह क्या रखा हमने बी की जगह मान रखा माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ए की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉइंट टू आ जाएगी। अब ए बी सी आ गया, बात करते हैं डी और ई की, तो हमें डी निकालने के लिए वापस समीकरण इसमें रखना चाहिए था सी का मान, सी का मान समीकरण छः में रखने पर
तो समीकरण क्या है माइनस टू सी, सी का मान यहाँ कितना दिया गया है, आया था माइनस का वन अपॉइंट टू प्लस डी बराबर जीरो, तो टू टू कटा माइनस का वन प्लस डी, तो डी का मान आएगा यहाँ पर वन, हमें डी की वैल्यू क्या मिल गई वन मिल गई। अब हमें देखो ई बचा है, ई का मान निकालना किस पर, सबसे छोटी सी इक्वेशन दिख रही है जैसे कि लास्ट वाली समीकरण नंबर पांच, समीकरण पांच से क्या मिलेगा ए माइनस सी माइनस ई बराबर वन, ए का मान हम कितना निकाल चुके हैं यहां से वन अपॉइंट टू, फिर क्या लिखा है माइनस सी, सी का मान आया था माइनस, माइनस मान हो जाएगा प्लस वन अपॉइंट टू, फिर आ रहा है माइनस ई बराबर वन, माइनस ई बराबर वन, तो आधा आधा कितना हो जाएगा एक हो जाएगा माइनस ई बराबर वन, तो एक से एक कट गया, ई की वैल्यू क्या आएगी जीरो, तो ई की वैल्यू जीरो मिल गया। अब सारे मान यहाँ रखेंगे, काफी लंबा क्वेश्चन था, ए बी सी डी ई के मान रखने पर ए का मान यहाँ पे कितना आया है, इंटीग्रेशन ए की वैल्यू हम लोग को मिली थी कितनी, वन अपॉइंट टू, तो वन अपॉइंट टू हो जाएगा यहाँ पर वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट एक्स माइनस वन डी एक्स, बी एक्स है तो पहले बी की वैल्यू यहाँ पे आई थी माइनस वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू एक्स रहेगा, सी की वैल्यू मिली हम लोग कितनी माइनस वन अपॉइंट टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, डी के साथ डी का मान यहाँ पे निकला है वन, तो आएगा वन एक्स, ई का मान जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो ये तो सिंपल फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, तो इसको अलग कर लेंगे एक साथ, तो वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट एक्स माइनस वन एक साथ हल करेंगे, तो यहाँ पर इसको करें वन अपॉइंट टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, फिर माइनस वन अपॉइंट टू बाहर आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जीरो का मतलब ही नहीं। अब सारे इंटीग्रेशन एक सिंपल फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं हम लोग को यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला जो होता है लॉग एक्स माइनस वन का होता है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो लेट करना पड़ेगा, इधर पता है एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वन को पूरे लेट करेंगे, साइन बता देते हैं, तो लेट करने हम लोग क्या मिलेगा टी, तो मिलेगा यहाँ पर टू एक्स, यहाँ जीरो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स डी एक्स बराबर क्या है वन अपॉइंट टू डी टी आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1.2, तो 1.2 पहले से 1.2 1.2 हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, और इसको माना t, तो ऊपर की वैल्यू हट चुकी थी 1.t dt बन जाएगा। ऐसे यहां पे करेंगे तो ये एक फॉर्मूला है किसका, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का किसका tan इनवर्स x अपॉन a कह सकते हैं, tan इनवर्स x बन गया, सीधे सीधे कह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी हमें लेट करना पड़ेगा, ऐसे भी लेट करें x का प्लस 1 को t, तो यहाँ पे x हट जाएगा, तो क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, यहाँ पे dt अपॉन बन जाएगा t स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना, 1/2 log x माइनस वन, यहाँ हो जाएगा एक बुटे चार log t माइनस 1/2 tan इनवर्स x 1/2 ऊपर ले जाएंगे घात, तो माइनस टू प्लस वन करेंगे आएगा माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन 1/t वापस मिल जाएगा प्लस c। अब सबके मान रख लेते हैं 1/2 log x माइनस वन माइनस 1/4 log t, t किसको माना था यहाँ पे x का प्लस वन को, तो x का प्लस वन रख दिया यहाँ पे इसकी जगह पर, माइनस वन अपॉइंट टू टेन वर्स एक्स ऐसे रह दिया, वन अपॉइंट टू यहाँ भी आ जाएगा कितना 1/t है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का ए इंटीग्रेशन डेक्स फोन एक्स पॉइंट 4 माइनस ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन जो है अब थोड़ा सा और भी अलग होता है, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सवालों में थोड़ा चेंज आ रहा है, कई सवाल रिपीट नहीं हो रहे कि सारे सवाल एक जैसे लग रहे हो ना, तो थोड़ा सा अलग क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो इतना पता है कि हम लोग जो एक्स पॉइंट 4 इसको ले सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, और ए पे ऐसे रख सकते हैं स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया यहाँ फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी के फॉर्म पे, ठीक। अब यहाँ पे ना हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर आया तो हमने अभी क्या था ए एक्स प्लस बी पी सी एक्स प्लस डी ई एक्स प्लस एफ, ऐसे बहुत लंबे क्वेश्चन जाते, तो उससे बचने का यहाँ तरीका क्या है कि माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो जहाँ एक्स स्क्वायर का रख दें वहाँ वाई पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो वो चिन्ह है नहीं, और आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, तथा आंशिक भिन्न के रूप में भी रख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो वन हो जाएगा, नीचे आएगा वाई प्लस ए वाई प्लस बी, फिर ए अपॉन वाई प्लस ए और बी अपॉन वाई प्लस बी, तो इससे फायदा क्या हुआ हमारा, ए एक्स प्लस बी और जो सी एक्स प्लस डी का फॉर्मेट बना था वो काम खत्म हो गया, काफी छोटा सवाल हो गया, तो यहां पर तो कुछ करना नहीं होता हम लोग, इधर एलसीएम लेना होता तो वाई प्लस ए y प्लस बी, अब a कटेगा तो a के साथ आएगा b, और b वाले में क्या कटेगा b पार्ट कट जाएगा तो a आ जाएगा, b के साथ आएगा कितना y प्लस a आ जाएगा, वन अपॉन y प्लस ए वाई प्लस बी, अब ये और ये कट जाएगा तो वन बराबर हो जाएगा ए वाई प्लस बी ए,
बी वाई यहाँ पर आएगा और आएगा बी ए आ जाएगा, ये स्मॉल और कैपिटल में ध्यान कन्फ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके रखिएगा। अब यहाँ पे देखो y कॉमन लेंगे तो मिलेगा a प्लस बी, और यहाँ कुछ कॉमन तो आएगा बी ए प्लस बी आ जाएगा। अब क्या करें तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें a प्लस बी बराबर वन, क्योंकि a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा वन है जीरो, क्योंकि यहाँ y नहीं दिया गया है। a प्लस बी बराबर क्या हो जाए जीरो, की यहाँ y फॉर्मेट नहीं दिया है तो आएगा a प्लस बी बराबर जीरो, ठीक है y फॉर्मेट नहीं था, बट यहाँ पर क्या बी ए प्लस बी ए इजकल टू वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मिल गए हम लोग को। अब फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे कंपेयर करेंगे हमें किसको काटना है, जैसे मान लो बी को काटना है या फिर ए को काटना है, तो बी को काटने में कितना गुणा करना पड़ेगा, तो लिखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में ए से गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा ए ए प्लस बी ए बराबर जीरो, यहाँ पे ऐसे रहेगा बी ए प्लस बी ए बराबर वन, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस से कट जाएगा। अब देखो ए कॉमन आ रहा है तो क्या मिलेगा ए माइनस बी बराबर क्या है माइनस वन, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हम लोग की माइनस वन अपॉन ए माइनस बी आ गया। अब इस ए का मान रखेंगे समीकरण नंबर एक पे रखेंगे, चूंकि ए प्लस बी बराबर कितना जीरो है, तो यहाँ माइनस ए माइनस बी रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी उधर माइनस जाएगा क्या बन जाएगा प्लस ए माइनस बी आ जाएगी, बी की वैल्यू प्लस पे आ गई। अब इस वैल्यू को रखते हैं कहाँ पर जहाँ आंसर को मानते हैं, लेकिन इस बार हम लोग को समाकलन लगाने से पहले वापस हम लोग को हटाना पड़ेगा इसको वाई को हटाना पड़ेगा, तो ए कितना था यहाँ पर, तो इसको इसी फॉर्मेट में वापस रख देंगे हम लोग, तो ए कितना माइनस वन अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पर था वाई, तो वाई को उन्होंने क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स प्लस बी, बी का मान है a माइनस बी और b की वैल्यू होती है a माइनस बी, वाई यहाँ भी तोड़ेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए और यहाँ आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ b था, अब यहाँ इसको रूट में चेंज कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कितना आ रहा है वन अपॉन ए माइनस बी, कॉमन ले लिया ए माइनस बी कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये बच रहा, अब इसको हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए का स्क्वायर डी एक्स, ऐसे यहाँ भी क्या है प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, ये क्यों किया ताकि एक फॉर्मूला मैच हो रहा है किसका टेन का, तो वन अपॉन ए माइनस बी चल रहा है ऐसे चलने देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मूला किसका बनेगा टेन वर्स का, तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ए, और साथ में बाहर भी होता है वन अपॉन ए, तो ए मतलब यहाँ रूट ए है, ठीक ऐसे यहाँ भी बनेगा प्लस वन अपॉन ए, ए मतलब यहाँ क्या बी है, तो वन अपॉन रूट बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी आ जाएगा, रूट में आ जाएगा प्लस सी आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, बाकी कोई इसमें सोल्यूशन नहीं होने वाला है, माइनस वाले पीछे कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, माइनस वन अपॉन रूट ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए प्लस सी, ये फाइनली आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का सी इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स, भी एनसीईआरटी पूछा गया, तो ये सवाल ही अब उससे भी अलग होने हैं, सारे सवाल कहीं ना कहीं आते थोड़े अलग होते जाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ स्टार्टिंग पे लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन और टी, यहाँ पे ये नहीं कि हम उसको उस फॉर्म पर ला रहे, इसको हम लोग ला किस फॉर्म पर है, हम लोग ला रहे हैं इसको समाकलन के फॉर्म पर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा आपको टू एक्स मिलेगा वन का जीरो, यहाँ डी टी बाई डी एक्स चलता रहेगा, तो हम लोग को टू एक्स चाहिए तो टू एक्स मिल गया साथ साथ, तो टू डी एक्स बराबर किसके हो गया डी टी के हो गया, ये वैल्यू हम कहाँ यहाँ पुट कर देंगे, जब यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर, जब टू डी एक्स है वहाँ पर आ जाएगा डी टी अपॉन जहाँ हो गया टी प्लस वन टी प्लस थ्री आ गया। अब देखो ये सवाल छोटा हो गया, अब इसको आंसर बिन तोड़ने पर, जब आंसर बिन बनाएंगे तो क्या बनेगा वन अपॉन टी प्लस वन टी प्लस थ्री बराबर ए अपॉन टी प्लस वन बी अपॉन टी प्लस थ्री, यहाँ एलसीएम क्या आएगा टी प्लस वन टी प्लस थ्री आएगा, यहाँ तो कुछ होगा नहीं ऐसे, तो t प्लस वन टी प्लस थ्री आ गया, तो a के साथ क्या मिलेगा हम लोग को t प्लस थ्री, b के साथ क्या मिलेगा t प्लस वन, अब बराबर में ये कट जाएगा, तो वन बराबर गुणा करें तो ए टी प्लस थ्री ए बी टी प्लस बी आ जाएगा, तो वन बराबर अब t कॉमन लेंगे तो t के साथ कॉमन आएगा a प्लस बी, और इसके बाद क्या बचेगा थ्री ए प्लस बी। अब तुलना करेंगे फिर से जैसे हर सवाल में करते हैं हम लोग, तो t है नहीं तो a प्लस बी बराबर जीरो मिल जाएगा समीकरण एक,
यहाँ क्या मिलेगा, 3a प्लस बी इज इक्वल टू किसके, 1 के है। अब यहाँ देखो b बराबर पहले से माइनस 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 कट जाएगा, a में 2a गया माइनस 2a, माइनस 1, a की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2। अब a का मान क्या रखें जो इजी दिख रहा है, समीकरण 1, समीकरण 2 था, तो a में रख देंगे फर्स्ट वाले में। समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी है, तो a का मान 1 अपॉन 2 है, b बराबर 0, तो b का मान क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन 2। अब a और b की वैल्यू में पुट कहाँ करें, जहाँ वापस माना था यहाँ पर, तो वहाँ पर रखते हैं। ए की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, 1 अपॉन 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर में चलता रहेगा। यहाँ रखिए, मैं बताया था स्टार्टिंग से कि बराबर में चलता रहे, चाहे तो आई लिख सकते हो उसको वापस सवाल के फॉर्मेट में, अगर बार बार नहीं लिखना है तो 1 अपॉन 2। टी की वैल्यू यहाँ पर टी प्लस 1 है डी टी, बी की वैल्यू माइनस है 1 अपॉन 2 बाहर, 1 अपॉन टी प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा डी टी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, लॉग टी प्लस 1 का, यहाँ माइनस 1 अपॉन 2, ये लॉग टी प्लस 3 प्लस सी बन गया। अब क्या बचा है यहाँ पर, अब देखो दोनों कॉमन जो 1 अपॉन 2 आ रही है, तो 1 अपॉन 2 में बाहर ले सकते हैं, 1 अपॉन 2 बाहर करेंगे, और लॉग में क्या होता है माइनस वाला कहाँ जाता है बटे में, तो इसको ले सकते हैं सीधे लॉग टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 3। अब ये खत्म तो हो गया, लेकिन अभी हम लोग क्यों स्टार्टिंग सवाल टी दिन दिएगा, टी हमने माना था, तो टी किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ रखना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो माना था, ठीक है, और फिर ये रखा प्लस पीछे वाला 1, ये बाकी वो रखेंगे ऐसे, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 लॉग इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का डी है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है, साथ 2005 में भी पूछा गया, तो ये दोनों क्वेश्चन है दो तरीके से, एनसीईआरटी बेस्ड प्लस 2005 में पूछा गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल। तो यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में दिया गया, तो पहला काम जैसे पिछली बार भी किया था वही काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर आंशिक भिन्न में तोड़ के इसे सीधे वाई मान लेंगे, ये नहीं करेंगे इसका समाकलन करेंगे, ध्यान एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखने पर तथा इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, तो अब क्या बन जाएगा, आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो बनेगा वाई, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का वाई रख देंगे हम लोग, नीचे आएगा वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4 आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इसे आंशिक भिन्न तो ही लिया, तो ए अपॉन क्या आएगा वाई प्लस 1, बी के साथ क्या आएगा वाई प्लस 4, लास्ट आएगा y प्लस 1 वाई प्लस 4, ए के साथ मिलेगा y प्लस 4, बी के साथ मिलेगा y प्लस 1, यहाँ जो चल रहा था चलता रहेगा, तो बराबर में ये पार्ट कट जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा ए वाई प्लस 4 ए प्लस बी वाई प्लस बी, तो यहाँ y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ए प्लस बी मिल जाएगा, यहाँ 4 ए प्लस बी ऐसे रहेगा। अब यहाँ तुलना करेंगे, तुलना करने y y के साथ जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू 1, क्योंकि y y कट जाता है बता चुके हैं बार, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा बराबर में 1, और यहाँ पे है 4a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे नंबर वाला को पार्टी नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 लिखा है a प्लस बी इक्वल टू 1 और यहाँ लिखा है 4a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, निशान चेंज करेंगे तो माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, 4 से जाएगा माइनस का 3 आएगा बराबर में 1, तो a की वैल्यू आएगी माइनस के 1 अपॉन 3 आ जाएगा। अब इस a का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण इसमें रखना चाहिए, इसमें तो इजी दिख रहा फर्स्ट वाला, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या a प्लस बी बराबर 1 है, a प्लस बी बराबर 1, तो a का मान 1 अपॉन 3 है, तो ये उधर जाएगा, b की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो 3 एकम 3 1 4/3, तो b का मान मिल जाएगा 4/3 आ जाए, ए बी की वैल्यू में वापस कहाँ रखिए, मान रख देंगे, लेकिन साथ में ध्यान के रखना आंशिक भिन्न में वाई माना था, इसलिए हल करने से पहले इसको वाई को हटाना पड़ेगा, तो आई बराबर सवाल चल रहा था, ए का मान कितना निकला हम लोग माइनस के 1 अपॉन 3, इसको बाहर कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन y है, y को किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या था 1, यहाँ डी एक्स हो गया, बी का मान था 4/3 1 अपॉन x² + 4 डी एक्स हो गया, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया टेन इनवर्स एक्स का बन गया, एक वन का स्क्वायर इसका मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर 4 अपॉन 3, तो यहाँ फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a, ए यहाँ 4 यानी 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी, तो यह काटेंगे कट जाएगा, तो मिलेगा हम लोग को माइनस का 1 अपॉन 3
इनवर्स एक्स प्लस 2/3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स एक्स प्रो एन प्लस 1 और ये भी एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों में पूछा गया। एनसीईआरटी के तो है ही प्लस यूपी बोर्ड ही पूछा गया और ये सवाल ना एक नंबर के फॉर्म पे नंबर के बाहर है तो क्या करेंगे सवाल देखो पहले ही काम में हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग मान लेते हैं कि भाई हम लोग इसमें एक्स प्रो एन को अगर हम लोग टी मानेंगे तो क्या मिलेगा अवकलन करते हैं तो घात आगे आती है एन एक्स एन माइनस 1 डी टी बाई डी एक्स मिलेगा यानी हमें क्या चाहिए होगा एन एक्स एन माइनस 1 चाहिए होगा तो हम लोग क्या करें यहाँ पे एन एक्स एन माइनस 1 का गुणा और भाग कर लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे हमने पहले से कर लिया है लेकिन इसका फिर से दोबारा करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे एन एक्स एन माइनस 1 का गुणा ठीक है और इतने का ही भाग कर लिया एन एक्स इतना गुणा किया इतने का भाग किया इंटू एक्स था इस पर घात 1 है एक्स घात प्लस 1 डी एक्स हो गया ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर ये चीज़ को अब मान लेते हैं ये मैं साइड में बताया था माना अब माना हम लोग क्या माना ये एक्स की पावर एन को टी माना तो क्या मिला एन एक्स एन माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी एन इतना मिल जाएगा तो ये पार्ट हम लोग का पूरा गायब हो जाएगा। ध्यान दीजिए कन्फ्यूज हो रहे होगे कि मैंने क्या किया फिर से बता दूँ ये जो एक्स को एन माइनस प्लस 1 था हमने इसको पहले ही माइंड में लेट कर लिया कि ये आ रहा होगा ये सवाल इस टाइप के करने पड़ेंगे तो हमने जब इसका आकलन किया इतना पार्ट मिला तो मैं इतने का हमने क्या किया गुणा और भाग कर दिया ताकि हमें ये स्टेप पहले से ही मिल जाए तो ये पार्ट हमें यहाँ से मिल गया तो इतना जब पार्ट पूरा मैच हो रहा है तो वहाँ क्या आ जाएगा ऊपर dt आ जाएगा नीचे क्या होगा n था कांस्टेंट बाहर हो गया x की पावर n माइनस 1 है तो x की पावर n माइनस 1 और ये एक घात तो देखिएगा गुणे में घात क्या जुड़ जाते हैं तो n माइनस 1 ये और ये प्लस 1 नीचे अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ ये कट जाएगा तो dt हो गया। अब देखो x की पावर n को हमने t माना था तो यहाँ क्या बन जाएगा t और यहाँ आ जाएगा t प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको आंसर भी तोड़ लेंगे हम लोग 1 अपॉन एन को हम लोग इग्नोर करेंगे हम लोग पहले यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन टी और टी प्लस 1 तो ए के साथ क्या आएगा टी बी के साथ आएगा टी प्लस 1 आ जाएगा तो यहाँ तो इधर वाला पार्ट तो वैसे कुछ नहीं करना इसको ऐसे रहने देंगे यहाँ पे आएगा टी टी प्लस 1 तो ए के साथ टी कटेगा तो क्या मिलेगा टी प्लस 1 बी के साथ क्या मिलेगा टी प्लस कटेगा तो आएगा टी तो ये कट गया 1 इसका गुणा करें ए टी प्लस ए प्लस बी टी आ जाएगा। अब टी कॉमन लेंगे तो मिलेगा हम लोग ए प्लस बी मिल जाएगा प्लस ए। अब हम क्या करेंगे तुलना करेंगे कंपेयर कर लेते हैं तो ए प्लस बी किसके बराबर है कोई टी वाला पार्ट तो है नहीं बराबर जीरो बन जाएगा। अब ए किसके साथ इक्वल ए की वैल्यू 1 आ गई इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगी ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब मान रख सकते हैं फटाफट यहाँ पे इसका ए का मान रखेंगे कितना है यहाँ पर 1 बराबर में आई चल रहा था 1 अपॉन टी डी टी बी का मान था माइनस तो 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी हो गया तो ये फॉर्मूला बनेगा लॉग टी का ये भी फॉर्मूला बनेगा लॉग टी प्लस 1 का। अब हम लोग टी के मान रख देंगे वापस जो माने हुए थे तो आई बराबर लॉग टी किसको माना उन्होंने यहाँ पर एक्स पावर एन को तो यहाँ पर लॉग एक्स पावर एन माइनस लॉग एक्स पावर एन प्लस 1 आ जाएगा। अब चाहो तो लोग इसमें क्या बटन में कर सकते तो आई स्क्वायर टू बन जाएगा कितना लॉग एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1 के फॉर्मेट भी इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन में 12 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 एन और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या करें सबसे पहला काम कि एक्स पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 पे स्क्वायर होता ही है ठीक है तो और ये इसके बाद यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाए कौन सा ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला तो बन सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको आंसर भी हम तोड़ेंगे और इसको मान लेंगे माना एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखने पर तथा आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ने पर तो एक्स स्क्वायर के में वाई रखने वाले हैं तो यहां पे साथ में आंशिक भिन्न करें तो 1 अपॉन के ऊपर कुछ तो है नहीं तो वाई माइनस 1 हो जाएगा वाई प्लस 1 हो जाएगा बराबर में आएगा ए अपॉन वाई माइनस 1 बी अपॉन वाई प्लस 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमको वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1 1 अपॉन वाई माइनस 1 एक साथ वाई प्लस 1 एक साथ यहाँ पर तो ऐसे रखना होता है यहाँ पे ए के साथ वाई में कटेगा बचेगा वाई प्लस 1 बी के साथ आएगा वाई माइनस 1 तो ये कट जाएगा तो 1 बराबर ए वाई प्लस ए बी वाई माइनस बी कॉमन लेंगे वाई तो मिलेगा ए प्लस बी और यहाँ मिलेगा प्लस ए माइनस बी। अब क्या करें तुलना कर लेते हैं
तुलना करने में क्या दिख रहा है कि ये वाई वाला पार्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो ए प्लस बी स्क्वायर टू हो जाएगा जीरो और ये ए माइनस बी स्क्वायर टू हो जाएगा वन। अब यहाँ माइनस प्लस कट जाए ए और टू ए हो जाएगा जीरो का वन, ए स्क्वायर टू आएगा वन बाई ए का मान हमें मिल गया वन बाई टू मिल गया। इस ए का मान रखेंगे कहाँ, समीकरण एक या दो भी किसी में रख सकते हैं, तो इजी कौन दिखाई दे रहा है, ए वाला समीकरण एक से ए प्लस बी जीरो दिया गया है, तो ए का मान वन अपॉइंट टू रखें तो बी का मान कितना आ जाएगा माइनस का वन अपॉइंट टू, तो बी की वैल्यू में इतनी मिल गई। ए बी के मान आ गए तो वापस क्या रखते हैं, सवाल रख देंगे कि बी के मान रखेंगे, तो यहाँ पे ए का मान कितना है वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन वन अपॉइंट वाई है, वाई को भी हमें हटाना पड़ेगा कि वाई को क्या माना था, एक्स स्क्वायर माना था कि हमने इंटीग्रेशन पहले तो माना नहीं था, आंशिक भिन्न माना था, हमें आंशिक भिन्न में ही वापस रखना पड़ेगा उसको जैसे मान रखें, तो वाई क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसे बी के साथ क्या था माइनस का वन अपॉइंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये लॉग का होता है और ये होता है किसका टेन का होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, हम लोग साइड बता देते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, तो ये फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लगा देंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है, तो ए मतलब एक्स पे वन पे स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन टू ए, ए का मान कितना रखा वन लॉग एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। तो बस सॉल्व हो गया, अब यहाँ आ जाएगा वन अपॉन फोर लॉग, एक साथ चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे रखो ज़्यादा सही है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन में तेरह इंटीग्रेशन वन अपॉइंट वन माइनस साइन की पावर फोर एक्स डी एक्स देगा, तो इस क्वेश्चन में क्या साइन की पावर फोर लगा हुआ, साथ में ये बोर्ड 2012 में पूछा गया था, तो इस सवाल को क्या करेंगे बहुत इजी वे से आपको बताएंगे क्या करना। पहला काम लोग क्या करेंगे स्क्वायर तोड़ लेंगे, वन पे स्क्वायर तो होता ही पता है, इसकी जरूरत तो है नहीं। अब साइन की पावर फोर है, इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कई बार लगा चुके हैं फिर से बता देते हैं अगर याद ना हो किसी को, तो ए माइनस भी ए प्लस भी होता है ये फॉर्मूला, तो ए मतलब यहाँ वन है और फिर प्लस है, प्लस मतलब क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद बी वन माइनस ए माइनस बी है तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो गए। अब यहाँ पर जब हम इतना कर लेंगे तो सबसे पहला काम लोग इसको आंशिक भिन्न तोड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, तो आंशिक भिन्न चेंज करेंगे, साथ में मान लेंगे एक्स स्क्वायर को माई माना, तो आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो हम साइन स्क्वायर एक्स क्या रखेंगे वाई रख लेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई वन माइनस वाई, फिर ए अपॉन वन प्लस वाई आएगा, बी के साथ आएगा वन माइनस वाई, ऐसे में आ जाएगा वन प्लस वाई और वन माइनस वाई। ऐसे में बताया ये बहुत आसान होते हैं, जो लिखे वही लिख दो, नंबर तो टफ भी होते हैं ये तो बहुत आसान होते हैं, बस देख के इसको लिखना ही होता है। अब यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे तो ए के साथ क्या आएगा, यहाँ पर ए के साथ वन प्लस वाई कटेगा तो मिलेगा वन माइनस वाई, बी के साथ माइनस कटेगा आएगा वन प्लस वाई, तो ये और ये कट जाएगा तो ए माइनस ए वाई बी प्लस बी वाई आ जाएगा, इसके बाद ए प्लस बी एक साथ हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, हमने वाई कॉमन ले लिया। अब तुलना कर देते हैं, तुलना करने में हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ए प्लस बी स्क्वायर वन बन रहा है समीकरण एक और यहाँ वाई वाला पार्ट है नहीं, तो बन जाएगा माइनस ए प्लस बी स्क्वायर टू वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समीकरण एक और दो को हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए कट रहा है, बी और बी कितना होगा टू बी, तो b की वैल्यू मिलकर हम लोग वन पॉइंट टू, वही ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी समीकरण एक में रखें या फिर समीकरण दो में रखते हैं, इजी पड़ेगा, तो समीकरण दो से माइनस ए प्लस बी बराबर जीरो है, तो हमने किसका मान रखा b का रखा वन पॉइंट टू, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a की वैल्यू वन पॉइंट टू मिल जाएगी, प्लस में मिलेगी माइनस मिलेगी, दोनों प्लस में मिलेगा माइनस जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू मिल गई। अब इसको रखेंगे यहाँ पर, साथ में आंसर भी इनको हटाना भी पड़ेगा, तो आई बराबर चल ही रहा होता है, तो ए का मान कितना है वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट वाई, वाई हमने क्या बना था साइन स्क्वायर एक्स, तो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे बी के साथ सेम हाल होना है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब इतना तो सॉल्व हो गया, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स की प्रॉब्लम है, तो देखो यार यहाँ पे क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे रखा, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें साइन को वन अपॉन कॉसेक में, पता सभी को वन अपॉन कॉसेक साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है,
और इधर करें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू किसके स्क्वायर रूट है, कॉस स्क्वायर एक्स के। यहाँ पे भी और भी सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस से क्लास लेंगे तो मिलेगा हम लोग को कॉस से ऊपर चला जाएगा, पता सभी को ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा मैं कॉस एक स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस एक स्क्वायर एक्स प्लस वन, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा कॉस सेक है, सॉरी ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वो एवली यहाँ हम लोग रख लेते हैं कॉस सेक की जगह पर, वन पॉइंट टू कॉस सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आएगा यहाँ पे कितना वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन डी एक्स। अब ये तो फॉर्मूला सेक स्क्वायर ऐसे क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो भाई सॉल्व हो गया। अब जो प्रॉब्लम आनी है सर इसी में आनी है, जो सॉल्व करनी हम लोग को। तो अब यहाँ एक और एक देखें तो क्या मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, तो वन पॉइंट टू बार चल रहा था कॉस एक स्क्वायर ऊपर चल रहा था, एक और एक हो जाएगा दो, तो ये हो जाएगा दो प्लस कॉट, इसको स्क्वायर पे भी लिख लेते हैं, दो का स्क्वायर मतलब रूट टू बन जाएगा, वन पॉइंट टू बन गया। अब यहाँ हमें लेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें ऊपर वाला पार्ट हटाना है, तो लेट करेंगे हम लोग किसको, कॉट एक्स को मानेंगे टी, एंड कॉट एक्स को मानेंगे टी, तो क्या आता है आपको, क्या होता है माइनस का कॉस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टू मिल जाएगा। इस माइनस का यूज नहीं, इस माइनस को हम ट्रांसफर करके इधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे डी एक्स चला, तो देखो ये पार्ट पूरा यहाँ से हट जाएगा, तो माइनस का वन पॉइंट टू यहाँ आ जाएगा डी टी, यहाँ रूट टू का स्क्वायर और प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये चल रहा था वन पॉइंट टू टेन एक्स प्लस सी टेन वर्स एक्स, हाँ टेन एक्स है। अब यहाँ पर तो कुछ करना नहीं इस वाले को, तो ऐसे छोड़ देते हैं इस वाले पार्ट को। अब ये है तो फॉर्मूला इसका बनना है, फिर बन गया टेन का, क्या होता है अगर फॉर्मूला देखो तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ये फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन वर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको वन अपॉन टू, ठीक है देन, और इसको ले सकते हैं हम लोग ए, ए मतलब यहाँ क्या है रूट टू, तो वन अपॉन ए मतलब रूट टू आ जाएगा, टेन इनवर्स इसके बाद क्या आएगा एक्स अपॉन है एक्स मतलब यहाँ टी, ए मतलब रूट टू, बाकी ये ऐसे ही रहने दिया ठीक। अब इसके और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज पूरा कंप्लीट नहीं, टी का मान है, अब यहाँ पे कॉमन वन अपॉइंट टू आ रहा है, अब कॉमन ले लेते हैं हम लोग, या फिर इसे देखते हैं माइनस का वन अपॉइंट टू रूट टू लिख लेते हैं टेन वर्ड्स। अब टी में यहाँ पे किसको माना था, हमने कॉट को माना था, क्या रखा था कॉट, तो टी जगह देख सकते हम लोग कॉट एक्स रूट टू प्लस वन अपॉइंट टू टेन एक्स प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कहोगे अब किताब से मैच आंसर नहीं कर रहा है, तो यार देखो एक मेन बात हमको बता रहे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, अगर हम लोग पेपर देंगे या टेस्ट को एग्जाम देते तो वहां लोग आंसर नहीं पता, आपको मैथड्स पता होना चाहिए किस किस मैथड से हम लगा सकते हो, तो आंसर अप डाउन हो सकते हो। मैं कई बार बता रहा हूँ कि आपको आंसर ही लेके नहीं आना वहाँ पे, आपको सिर्फ सवाल को समझना है, कॉन्सेप्ट लगाना है जिसकी वजह से आपके सवाल सोल्यूशन सही हो, कोई आंसर फिक्स नहीं होता इन चीजों में, क्योंकि यहाँ कई मैथड्स होते हैं, मल्टीपल मैथड्स होते हैं, तो जिसकी वजह से आंसर में वेरिएशन आते हैं, बस आपको अपने माइंड रखना है किस मैथड सवाल को लगा रहे हो, ये ध्यान रखिएगा और कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू डी एक्स, एन सी आर टी क्वेश्चन है। तो देखो यार पहले बताया था घातों पे भी ध्यान देनी होती है, ऐसे ध्यान देखो तो फॉर्मूला अगर खोलेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या है एक्स स्क्वायर है, ए दो घात मिलेगी और यहाँ से एक आगे गुणा करेंगे तो तीन घात हो जाएंगे, तो यार ये ध्यान रखना होता है कि ऊपर की जो पावर हो ना अंश की वो हमेशा हर वाले से एक कम होनी चाहिए या फिर बिल्कुल कम होनी चाहिए, लेकिन कम होनी चाहिए बराबर या फिर ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये सब कुछ सवाल भी ऐसे मिलेंगे और पीछे हमने एक दो सवाल ऐसे बताया भी है आपको अगर ध्यान होगा तो, इसलिए हम चेक कर लेंगे यहाँ पर घात दिख रही होगी, यहाँ दो है यहाँ पर बराबर दिख रही है, इसलिए मैंने बताया कि एक घात है यहाँ पर दो, तो उनके तीन घात हो गए, इसलिए ये ऊपर वाला छोटा है। अब क्या करेंगे हम लोग सीधे इसको आंसर में तोड़ लेंगे, आंसर में रूप में तोड़ेंगे तो पता ना ऊपर क्या आएगा, पूरा पूरा पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, नीचे में वही रखना है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, जो काम है बराबर करना है ए अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका मतलब हम क्या करेंगे इसको दो बार लिखेंगे, किसकी होल स्क्वायर लगाएं यहाँ दो बार लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर आएगा, इसके सी के साथ आएगा एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, इधर ऐसे रह दिया, यहाँ लासा क्या आएगा एक्स प्लस, अब सोच रहे हो लासा तीनों आ जाएगा तो नहीं, हम दोनों में बड़ी घात लेंगे, बड़ी घात कितनी है होल स्क्वायर एक्स प्लस टू अलग होगा, तो ए के साथ हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो एक्स प्लस वन कटेगा और एक बचेगा, तो एक्स प्लस वन का गुणा होगा, साथ में एक्स प्लस टू भी बच रहा है वो भी रखेंगे, बी के साथ पूरा मैच हो रहा है तो पूरा कटेगा सिर्फ एक्स प्लस टू बचेगा, सी के साथ आएगा ये कट रहा है तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, अब ये और ये पार्ट कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होगा, यहाँ ध्यान से गुणा करना तो x का x करें एक्स स्क्वायर ऐड कर दें थ्री एक्स प्लस टू आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो b x प्लस टू और यहाँ पे बनना था इसका होल स्क्वायर, तो c को बाहर का फॉर्मूला खोल दिया। अब करते हैं गुणा कर लेते हैं फटाफट सारे एक सिंपल फॉर्म पे हो चुके हैं, तो ax स्क्वायर प्लस थ्री ax
प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस टू सी एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पर ए और प्लस सी मिलेगा, फिर एक्स कॉमन लेंगे तो मिलेगा हम लोग को थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी। इसके अलावा क्या बचा है यहाँ पर, बचा है यहाँ पर टू ए प्लस टू बी प्लस सी। देखो कोई छूट तो नहीं गया इसलिए गिन लो आप, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तीन तीन छः दो आठ, सही। अब तुलना कर लेते हैं, तो अब तुलना करने दिख रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया गया तो ए प्लस सी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा वन, एक्स भी दिया गया है तो ये भी हो जाएगा वन के बराबर, थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी स्क्वायर रूट हो जाएगा वन, और यहाँ पर टू ए प्लस टू बी प्लस सी स्क्वायर रूट हो जाएगा वन। तो हमें समीकरण एक दो और तीन मिल गए। अब तीनों में देखोगे तो क्या कोई कॉन्सेप्ट सॉल्व हो पा रहा है, नहीं तो देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले में देखिए ए प्लस सी मिल रहा है, एक छोटा सा समीकरण मिल रहा है, तो हम लोग काम करते हैं ना सेकंड और थर्ड से बी को गायब कर देते हैं, एक नया फॉर्मूला बना देते हैं सी के फॉर्मेट, तो हम लोग हल्की से करेंगे सेकंड और थर्ड को, ये कर लेते हैं समीकरण दो और तीन को हल करें। तो एक काम पहले कर लेते, देखो समीकरण दो यहाँ बी है यहाँ टू बी है, तो कितने गुणा करना पड़ेगा दो का, तो समीकरण दो में दो का गुणा करने पर तथा समीकरण तीन से, तो समीकरण जब दो गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा तीन दुनी छः हो जाएगा, दो गुणा पूरे में करेंगे टू बी हो जाएगा प्लस फोर सी बराबर दो, आगे तीन दुनी छः दो और दो दुनी चार प्लस टू हो गया, नीचे वाला वैसे करेंगे टू ए प्लस टू बी प्लस सी इजकल टू वन। निशान चेंज करने में लिखा माइनस माइनस, सब जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे कट रहा क्या था बी यू काट रहे तो टू बी कट गया, सिक्स में टू गया आ गया फोर ए आ गया और यहाँ पे आ गया फोर सी में सी गया कितना बचा थ्री सी हो गया इजकल टू, यहाँ भी दो में से एक घटा रहे हैं हम लोग तो एक बचेगा, तो समीकरण नंबर हम लोग को मिल गया एक नया और बन गया चौथा। तो हम लोग देखेंगे समीकरण दो से सॉरी समीकरण एक से और चार को देखेंगे तो यहाँ पे एक कितना ए है या फोर ए है सी है थ्री से, किसी को भी काट सकते हो, मान लो सी को काटना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा हमें समीकरण एक में तीन का गुणा करना पड़ेगा, लिख देते हैं समीकरण एक में तीन का गुणा करेंगे क्या बन जाएगा थ्री ए प्लस थ्री सी स्क्वल टू थ्री, थ्री ए प्लस थ्री सी स्क्वल टू थ्री। समीकरण चार वैसे लिख दिया फोर ए प्लस थ्री सी स्क्वल टू वन, यहाँ माइनस या माइनस से माइनस कट जाएगा तो थ्री ए से ए जाएगा माइनस का ए हो जाएगा यहाँ टू, तो ए की वैल्यू मिलेगी तो माइनस की टू मिल जाएगी, जब ए का मान आ गया तो अब सारे मान निकलते जाएंगे, तो समीकरण एक की हेल्प से ए प्लस सी वन है तो ए का मान माइनस टू है तो सी का मान क्या होगा वन प्लस टू यानी तीन मिल जाएगा सी का मान। अब सी मालूम हो गया तो बी निकालना काफी है, समीकरण दो से सारे मान निकाल लेंगे, समीकरण दो कितना है यहाँ पर थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी, थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी, तो ए का मान हमने कितना निकाला था माइनस टू, फिर प्लस बी है बी को बी रहने दिया प्लस टू सी, सी का मान तीन है बराबर वन है तो आएगा माइनस छः प्लस बी प्लस छः स्क्वायर टू वन, तो यहाँ छः छः कट जाएगा तो बी का मान मिल जाएगा वन, तो मैं ए बी सी के सारे मान मालूम हो गए, सी का मान तीन आ गया, ए का माइनस टू बी का मान, अब सारे मान रख लेते हम लोग ए बी तथा सी के मान रखने पर रखें का आप लोग इस पार्ट्स में रखते हैं, तो i बराबर चल रहा था तो a का मान हमने निकाला कितना माइनस टू, माइनस बार क्या टू अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स किया, फिर b के साथ रखेंगे तो b का मान क्या वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, और c का मान यहाँ पे कितना है तीन आया तो थ्री अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स हो गया। अब ये सारे मान यहाँ मालूम चले गए, तो अब यहाँ पे देखो ये तो सॉल्व हो गया, वन अपॉन एक्स प्लस वन लॉग बन रहा है, ये भी लॉग बन रहा है, बट ये लॉग नहीं बन रहा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस वाले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ लेट करेंगे कितना एक्स प्लस वन को टी, तो कोई फर्क तो पड़ेगा डी एक्स के आ जाएगा डी टी के बराबर, तो आई बराबर जाएगा माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन और यहाँ पर इसको मान लेंगे टी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर और ये लॉग बन जाएगा थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, ठीक है ना, आई प्लस सी नहीं आएगा, मेरी इंटीग्रेशन बाकी है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू लॉग
एक्स प्लस वन, अब टी स्क्वायर जाएगा ऊपर तो बन जाएगा माइनस टू, उसमें एक जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्लस वन, फाइनली जो हम लोग मिलेगा माइनस वन अपॉन वन अपॉन टी मिल जाएगा वापस आके, क्योंकि भाई पता है कैसे, मैं एक साइड में बता देता हूँ, ये काम करेंगे तुम लोग तो नीचे क्या आएगा माइनस टू यानी माइनस वन वो अलग कर दिया, ये मिलेगा माइनस वन, इस माइनस वन लिख सकते हो वन अपॉन टी की घात वन लिख सकते हो, तो वो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, तो यहाँ थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आई बराबर जो लॉग वाले हैं एक माइनस प्लस के में आ रहे थे, दोनों को आगे पीछे लिख लेते हैं, तो प्लस को आगे कर लिया टू लॉग थ्री लॉग एक्स प्लस टू वाला आगे कर दिया, टू लॉग एक्स प्लस वन वाले को पीछे कर दिया, और यहाँ पर क्या है माइनस वन अपॉन टी, टी हमने किसको माना था यहाँ पर एक्स प्लस वन को माना था, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, तो इस देखो इस लॉग को हम एक साथ रख सकते हैं यहाँ पर, तो दोनों लॉगों में क्या आ रहा है कि ये बटन जा सकते हैं, तो थ्री है तो उसको ऊपर भेज सकते हो चाहो तो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब एक्स्ट्रा करने के बारे में बता रहे हैं, तो लॉग एक्स प्लस टू का होल क्यूब बन जाएगा, पावर ऊपर आ जाएगा, ऐसे यहाँ भी लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये तो अलग चल रहा है लॉग के फॉर्म पर नहीं है, अब ये दोनों लॉग आ रहा है उसको ले सकते हैं हम लोग एक्स प्लस टू का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी आंसर आ गया। क्वेश्चन में 15 इंटीग्रेशन 2 डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सीधे सीधे सब कुछ दिया गया, तो सीधे आंसर बिन में तोड़ने पर आंसर बिन में तोड़ेंगे तो दिख रहा है साफ से 2 आ रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर मिलेगा हम लोग को ए अपॉन वन माइनस एक्स, यहाँ मिलेगा बी एक्स, एक्स क्यों रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे क्या दिया है स्क्वायर दिया गया है, जब स्क्वायर दिया जाएगा तो हम इसको एक्स के फॉर्म पर लिख लेते हैं। अब लासा लेंगे तो इधर तो कोई करना ही होता चेंजमेंट, तो इधर वैसे रहेगा, यहाँ पर लासा आएगा वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए के साथ मिलेगा कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा बी एक्स प्लस सी के साथ ये पूरा कटेगा मिलेगा वन माइनस एक्स, तो ये और ये कट जाएगा, तो टू बराबर गुणा करेंगे तो ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणा करेंगे बी एक्स के वन में तो मिलेगा बी एक्स, फिर एक्स में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे सी माइनस सी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर में ए माइनस बी, ये दिख रहा है, इसके एक्स कॉमन लेंगे एक्स वाला कौन है केवल बी माइनस सी आ जाएगा, इसके बाद हम लोग को मिलेगा ए प्लस सी, ये सारे पार्ट से मिल जाएंगे। अब तुलना कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर तो है नहीं तो क्या मिलेगा ए माइनस बी बराबर जीरो, बी माइनस सी बराबर भी जीरो क्योंकि एक्स भी नहीं यहाँ पर, और ए प्लस सी इक्वल टू केवल टू मिलेगा, तो सवाल काफ़ी इजी दे दिया गया यहाँ पर इस स्टेप के हिसाब से, तो यहाँ से ए माइनस बी है बी माइनस सी ए प्लस सी, तो कोई सिंपल फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन हम समीकरण एक और दो से क्या कर सकते हैं ऐसा एक नया समीकरण बना सकते हैं ए और सी के फॉर्म में, तो हम समीकरण एक में क्या करें ए का मान निकालते हैं समीकरण एक से ए बराबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, यानी ए बी की बराबर है या बी ए के बराबर एक की बात है, तो हम लोग इसका मान कर रखें समीकरण दो में रखने पर बी बराबर ए समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो में जब रखेंगे तो क्या दिया बी, बी की जगह क्या रखेंगे ए, तो बन जाएगा ए माइनस सी बनेगा ना बी जगह ए, तो ए माइनस सी बराबर जीरो, ये समीकरण बनेगा चार, और समीकरण तीन इसके नीचे लिख लिया समीकरण नंबर तीन को लिख लिया, ठीक है समीकरण तीन में समीकरण दो में मान रखा है और तीन से हल कर लेते हैं, समीकरण तीन नीचे लिख लिए तो कट कर रहा है सी सी, तो टू ए बराबर टू आ रहा है तो ए का मान आगे कितना वन, फिर टू टू कट जाए ए की वैल्यू वन मिल गई, जब ए की वैल्यू वन मिली है तो बी की वैल्यू भी मिल जाएगी इसी समीकरण एक से, कितना ए माइनस बी बराबर जीरो, तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी वन, तो वन माइनस बी बराबर जीरो, तो बी का मान कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, तो बी की वैल्यू वन मिल गया, जब ए और बी की वैल्यू मालूम हो गई तो किसकी बची सी की, तो समीकरण नंबर तीन से निकाल लेते हैं या फिर समीकरण नंबर दो ज्यादा इजी पड़ेगा, समीकरण दो से समीकरण दो कितना है बी माइनस सी बराबर जीरो है, तो बी का मान वन है माइनस सी बराबर जीरो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी माइनस वन जाएगा उधर, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो सी की वैल्यू भी वन मिल जाएगी, हमें ए बी सी के सारे मान मालूम हो गए जो हमें चाहिए थे, अब सारे मान वापस यहां रख देंगे तो a अपॉन है तो a की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो मिलेगा i बराबर हम लोग को 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स बी एक्स प्लस सी, जब करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा b का मान यहाँ कितना है यहाँ पर b की वैल्यू हमने फाइंड की 1, तो 1x है ना प्लस c, c का मान 1 अपॉन 1
प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखो तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, लॉग का। तो यहाँ आएगा लॉग वन माइनस एक्स, इस वाले पार्ट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, ये दोनों पार्ट्स में, तो बोले एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अगर इसको लेट करें तो ये पार्ट ऊपर का मैच हो जाएगा, तो लेट कर लेते वन अपॉन प्लस एक्स के बराबर टी, तो मिलेगा हम लोग को टू एक्स, तो उसे डायरेक्ट लिखें टू डी एक्स, एक्स डी एक्स वन अपॉन टू डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, तो लॉग वन माइनस एक्स ऐसे हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर था, तो ये बन गया पूरा टी और ये ऊपर वाला पार्ट रिप्लेस हो गया, वन अपॉन टू बाहर, वन अपॉन टू वन अपॉन टी डी टी बन गया। तो ये फॉर्मूला किसका, वन प्लस एक्स का ही होता है, टेन वर्स एक्स का इतना आ जाएगा। अब ये वन अपॉन टी किसका होता है, ये वन अपॉन टी होता है लॉग टी का, बाकी सब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं सवाल में, बाकी सिंपल हो गया, सॉल्व हो गया। चौथ उसे लॉग को हम लोग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी एक काम रह गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, टी का मान रखना रह गया था, तो यहाँ टी का मान रख लेते हैं। तो लॉग वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू लॉग टी, टी हम लोग किसको माना था यहाँ पर, वन प्लस एक्स स्क्वायर को, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्या, अब ये आंसर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आंसर नहीं, यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, जब देखो कॉस के फॉर्म पे होगा तो और साइन साथ में होगा, तो हमें हमेशा कॉमन लेना होगा, कॉस को कॉमन, जैसे मैंने कई बार पीछे किया था कि कॉस कॉमन लेने तो क्या मिल जाएगा 10, और 10 को लेट करेंगे हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग यहाँ भी करना है कि हम लोग कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग नीचे कॉमन लेंगे कॉस क्यूब एक्स, जब कॉस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर साइन क्यूब एक्स बटे कॉस क्यूब एक्स प्लस, यहाँ पर जो कॉस पहले से था तो यहाँ पर भी बटे में आ जाएगा, ठीक, ये मैंने कॉमन लेने तरीका सिखाया। तो ये कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं आप लोग के लिए, कॉस क्यूब को ले सकते हैं हम लोग कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जो साइन अपन कॉस है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन क्यूब एक्स प्लस वन बन जाएगा, ठीक है, साइन अपन कॉस 10 होता है। अब देखो एक साइन अपन कॉस से क्या बन गया 10, साइन अपन कॉस क्या होता है 10, तो एक 10 बन गया। अब यहाँ दो कॉस स्क्वायर बचे हैं, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, ऊपर जाए क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे चल रहा था 10 क्यूब एक्स प्लस वन डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे किसको, 10 एक्स को, क्यों लेट करेंगे, बिकॉज हमारा सेक स्क्वायर हट जाएगा, तो 10 एक्स को मान लिया टी, तो 10 एक्स को जब अपन करेंगे क्या आएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt मिल जाएगा। तो जहाँ पे sec स्क्वायर dx है वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, इस पार्ट को हटाए dt रख देंगे, तो इसके लिए तो dt आ गया, अब हम लोग 10 को क्या मान लिया t, तो यहाँ आएगा t अपॉन में क्या आएगा t क्यूब प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब का, इसको फैक्टर फॉर्म पे तोड़ लेंगे, फैक्टर फॉर्म कैसे तोड़ेंगे, इसके फॉर्मूला में बता दूँ, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर होता है, इसी तरह इसको तोड़ लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर भी तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर t है तो t को t रखा अपॉन t क्यूब प्लस वन है, तो इसको हम ले सकते हैं फॉर्मूले अकॉर्डिंग ले सकते हैं, एक ब्रैकेट में t प्लस वन और दूसरे में क्या आ जाएगा t स्क्वायर माइनस ए बी, ए यहाँ कितना है t और b कितना वन, तो क्या मिलेगा केवल t मिल जाएगा, और इसके बाद बी स्क्वायर मतलब वन, हमें इतना मिल जाएगा, इसके फैक्टर बन जाएंगे, है ना। बराबर क्या करते हैं हम लोग, ए के फॉर्म पर रखते हैं, तो ए अपॉन टी प्लस वन और यहाँ क्या रखते हैं बी एक्स, एक्स क्यों लेंगे बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो बी एक्स, तो इस बार हम लोग बी टी करेंगे, बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, यहाँ पे क्या आएगा टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, तो ये और ये पार्ट कट जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग काम भी करना है, अभी लास्ट लेना, तो एक स्टेप बचा लेते हैं, टी प्लस वन बचेगा, टी प्लस वन कटेगा तो मिलेगा हम लोग टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, यहाँ मिलेगा बी टी प्लस सी, और यहाँ भी पूरा कटने के बाद मिलेगा टी प्लस वन, तो ये पार्ट यहाँ कट जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो मिलेगा ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए, फिर बी टी से करेंगे तो मिलेगा बी टी स्क्वायर प्लस बी टी हो गया, फिर सी से करेंगे मिलेगा हम लोग को सी टी प्लस सी आ जाएगा। अब टी स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पर तो आ जाए कितना, यहाँ पर टी स्क्वायर लेने के बाद ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पर टी वाले में टी कॉमन लेंगे तो मिलेगा माइनस का ए प्लस का बी और प्लस का सी, इसमें देखो सब में टी लगा हुआ है इन चीज़ों में। अब बचा कौन कौन से, ब्रेटी वाले बचे हैं, प्लस का ए बचा है
और प्लस का सी बचा है। तो गिन लो, को छूटा तो नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, दो तीन पाँच दो सात हो गए। अब तुलना करने पर तो टी स्क्वायर तो है नहीं, तो ए प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा, जीरो। यहाँ मिलेगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर वन, क्योंकि टी से टिकट वन मिल जाएगा हम लोग को। ऐसे यहाँ करेंगे तो ए प्लस सी बराबर जीरो, यहाँ भी कोई नॉर्मल नंबर नहीं दिया गया है, तो ए प्लस सी जीरो हो जाएगा। समीकरण एक दो और तीन मिल गए। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से ए प्लस सी है, यहाँ से ए प्लस बी दोनों जीरो एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं ए को हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो समीकरण एक से क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट से ए प्लस बी बराबर जीरो है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ए बराबर माइनस बी मिल जाएगा। इसी टाइप से इक्वेशन थर्ड रखें, थर्ड से मिल रहा है ए प्लस सी बराबर जीरो है, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस सी मिल जाएगा। यानी हम ए की जगह बी और सी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्व होने में दिक्कत, या फिर एक काम कर सकते हैं ना, बी की जगह ए और सी की जगह ए रख देंगे, तो ये आसान हो जाएगा। तो हम लोग काम क्या करते, तो चेंज करके बी निकाल लेते, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी। ऐसे सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस ए। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के हम रख देते हैं कहाँ, इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड से। सेकेंड में क्या है, माइनस बी प्लस सी है, तो माइनस ए है, देखो ध्यान से इसे लिख देते हैं। अच्छा, तो यहाँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर वन है, तो माइनस ए किसके बराबर है, बी के, तो यहाँ तो आ गया बी, ठीक है, बी आ गया, और यहाँ पे बी प्लस सी चल ही रहा था, तो हमने यहाँ ए का मान सी का मान नहीं रखा, क्योंकि सब फिर डिफरेंट डिफरेंट ए जैसे बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, या फिर ऐसा कर सकते हैं आसान तरीके से, ए को छोड़ देते हैं हम लोग, बी का मान यहाँ रखते, बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए, कि माइनस इधर है तो माइनस को इधर भेज दिया, तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी बी की जगह आ जाएगा माइनस ए, और सी का मान निकालेंगे, सी का मान माइनस ए आ रहा है, तो तीनों में क्या मिल गया, ए ए ए आ गया। तो ए और ए कितना हो गया, माइनस थ्री ए बराबर वन हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस की वन अपॉन थ्री, तो हमें ए का मान माइनस वन बाई थ्री मिल गया। अब ए से सारे मान देखो निकल लें, तो ए का मान माइनस वन थ्री, तो बी का मान माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो बी की वैल्यू वन अपॉन थ्री आ जाएगी। इसी टाइप से सी को रखें, तो यहाँ भी ए की वैल्यू माइनस माइनस ए बन जाएगी, प्लस की वन अपॉन थ्री, यानी ए बी सी के में सारे मान मालूम हो गए। अब वापस कहाँ रखते हैं, आंशिक भिन्न में रख देते हैं, ए बी तथा सी के मान रखने पर, तो ए का मान कितना है, माइनस वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट थ्री बाहर हो जाएगा, बराबर क्या चल रहा था, आइए सवाल चलता रहेगा इंटीग्रेशन वाला। ए का मान है माइनस वन अपॉइंट थ्री, इसको बाहर कर लिया, ए की वैल्यू वन, ए की जगह वन रख देंगे, टी प्लस वन यहाँ पे ऐसे रहेगा। फिर बी है, बी वाले का मान है वन अपॉइंट थ्री एक्स, प्लस सी का मान है वन अपॉइंट थ्री टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ये इंटीग्रेशन एक अलग पार्ट में चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे तो देखेंगे जो फॉर्मूला बन रहा है लॉग का, तो ये सॉल्व तो हो गया वन अपॉइंट थ्री लॉग टी प्लस वन, ठीक है, तो सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा सॉल्व बन रहा है। नीचे क्या है कि अगर हम लोग इसको चेंज भी करेंगे तो राइट हम लोग को एक पार्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन का जो अगर मानेंगे, देखो ये आने वाला है, अगर इसको हम लोग मान लिया जेड मान लिया या पी मान लिया, तो इसका क्या आ जाएगा, टू टी माइनस वन जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, टू टी माइनस वन, जो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा उसको मैच कराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, देखो पहले तो यहाँ देखो, पहले वन अपॉन थ्री दोनों कॉमन है, वन अपॉन थ्री हमें कॉमन ले लिया है ना, बाहर निकाल लिया, क्या बचा, टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, तो हम लोग यहाँ क्या आ रहा था, टू टी माइनस वन आ रहा था, हमें टू टी माइनस वन चाहिए, तो टू है, टी तो है बट टू नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर टू बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग गुणा भाग करेंगे, लॉग टी प्लस वन वन अपॉन थ्री, हमें क्या है, दो का गुणा कर दिया ऊपर, तो कितना बनेगा ये, टू टी प्लस टू, जब ऊपर गुणा कर नीचे भाग भी करना पड़ेगा, तो वन अपॉन थ्री के साथ क्या करेंगे, भाग थ्री इंटू टू हो जाएगा, नीचे ऐसे रहेंगे जैसे था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डी टी डी टी चल रहा था। अब इसके बाद देखेंगे तो आई बराबर वन अपॉन थ्री माइनस का लॉग टी माइन टी प्लस वन प्लस वन अपॉन सिक्स हो गया, टू टी हमें चाहिए था माइनस वन, यहाँ बार बिगाड़ दे रहे हैं, यहाँ टू टी माइनस वन चाहिए था ना, तो हमें टू टी तो चाहिए, तो टू टी तो मिल गया, बट यहाँ माइनस वन भी चाहिए, तो हमने क्या किया, माइनस वन जोड़ा और प्लस वन जोड़ा और प्लस टू को पीछे कर दिया, ये हमारे काम का नहीं था, लेकिन माइनस वन प्लस वन कर लिया, टी इसको माइनस टी प्लस वन डी टी हो गया। तो ये जो पार्ट है ये इससे मैच कर रहा है, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन, तो वन अपॉन थ्री लॉग टी प्लस वन प्लस वन अपॉन सिक्स हो जाएगा, और ये टू टी जो है माइनस वन ये अलग पार्ट में आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, इसके बाद ये जो पार्ट क्या बन जाएगा, दो एक तीन, और वन अपॉइंट सिक्स सबके साथ जाएगा, ये तीन बन गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ये सवाल काफी लॉन्ग हो। अब यहाँ पे इसको पार्ट को मान लेते हैं, तो माइनस वन अपॉइंट थ्री लॉग टी प्लस वन प्लस वन अपॉइंट सिक्स, इसको जेड मान लेंगे जैसे माना था, तो क्या आ जाएगा, देखो दिखाते फिर से करके, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो फिलहाल थोड़ा सवाल टफ है आप लोग के लिए। यहाँ मान इसको पी मान लिया, फिर जेड ही मान ले रहे हैं,
तो टी स्क्वायर क्या है, टू टी आई स्क्वायर वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तुम लोग क्या मिलेगा, डी जेड अपॉन डी टी मिल जाएगा, यानी ये पार्ट है मैच हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके पूरा डी जेड आ जाएगा, नीचे पूरा मान लिया जेड तो पूरा जेड बन गया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आने वाली और आगे आने वाली, ये कि ये एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग के फॉर्म में बनानी पड़ेगी। उस पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं साइड में देखो बताते हैं आपको यहाँ पर। तो टी स्क्वायर माइनस वन है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन है, तो मैं कहेंगे ए स्क्वायर तुम लोग को पता है। अब टू रखा, ए कितना है वन, कितने गुणा करें हम लोग केवल टी मिल जाए, तो दो तो है ज्यादा हो रहा है तो छोटा करने के भाग करेंगे दो से, तो आधा जोड़ा और आधा घटा दिया, यानी एक इतने घटा देंगे और लास्ट में प्लस वन चल ही रहा था, ठीक है। तो ये बन जाएगा t माइनस ए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बचा यहाँ बचा कितना माइनस का एक बटे चार प्लस वन, तो t माइनस वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर, चार कम चार, चार में गया कितना बचा तीन, बड़ा प्लस का चार तो प्लस का तीन बटे चार है, तो इसके लिए हम ये मान यहाँ रख देंगे, तो वन अपॉइंट सिक्स, थ्री को ऐसे रहने दिया, थ्री को जो बाहर कर ले रहे काम खत्म करे, थ्री को बाहर क्यों लिखे, थ्री कोई रोल तो है नहीं, तो थ्री अपॉइंट सिक्स हो गया। वन अपॉन इसके जगह हम रखेंगे क्या, टी माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन फोर, इसको ले सकते हैं रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर डी टी आ गया। अब इसके बाद देखो ये तो सॉल्व हो गया है, ये चली रहा था, तो माइनस वन अपॉन थ्री लॉग टी प्लस वन प्लस वन अपॉन सिक्स, ऐसे देखें तो ये भी तुम्हारा बन गया लॉग का फॉर्मूला, लॉग जेड बन जाएगा। अब लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाले थे, अब यहाँ पे t माइनस वन है, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे इसको हम फिर से लेट करेंगे दिखाते, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, दिखाते मान लो p माइनस टी का वन, ये जीरो हो जाएगा, तो हम लोग मिलेगा डी पी बराबर डी टी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ये फॉर्मूला किसका होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, वन अपॉन ए टेन वर्स अप टेन वर्स एक्स अपॉन ए का होता है, जो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस लगाया यहाँ पर थ्री अपॉइंट सिक्स तो काट सकते हैं, तो आ जाएगा एक बटे दो, ये हटा देते हैं, तो ये आ रहा है यहाँ पे वन अपॉइंट टू, और फिर क्या बनेगा वन अपॉइंट ए, ए यहाँ पे कितना रूट थ्री बाई टू, इसके बाद क्या है टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो एक्स मतलब यहाँ पे टी माइनस वन अपॉइंट टू अपॉन ए कितना रूट थ्री बाई टू, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब देखो जितना सॉल्व करें सॉल्व करेंगे हम लोग, वन अपॉइंट थ्री लॉग टी प्लस वन प्लस वन अपॉन सिक्स लॉग जेड, यहाँ क्या आ जाएगा रूट थ्री बाई फोर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ को सॉल्व तो नहीं होगा, टी ऊपर आ जाएगा, ये लासा ले लें दो कम दो, तो टेन इनवर्स ये हटा दें पूरा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टू टी माइनस वन अपॉन टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, तो इस टू टू से कट जाएगा। अब यहाँ सबके मान टी हमें किसको माना था, टेन एक्स को, जहाँ पर टी हमारा रखते हैं टेन एक्स प्लस वन वन अपॉन एक्स लॉग जेड, जेड मैंने यहाँ माना था किसको, टी स्क्वायर माइनस टी को, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, यहाँ रूट थ्री बाई फोर टेन इनवर्स, इसके बाद यहाँ पे बचा टू टी, टू टी मतलब हो गया टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये सवाल काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये इसका फाइनली आंसर है। क्वेश्चन में 17 इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, या एनसीएट बेस्ड क्वेश्चन है, तो घात देखो ऊपर घात है कि नीचे, तीन घात को दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या, एक्स क्यूब दिया गया है और एक्स क्यूब के फैक्टर डायरेक्ट नहीं होते, तो क्या करते हैं साइड में बताते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो पहला काम हम लोग को यहाँ पे एक ऐसा मान रखना पड़ेगा जिससे ताकि जीरो हो जाए, तो मालूम वन रखा, तो वन का क्यूब वन का स्क्वायर वन प्लस वन, तो वन का वन होता है यहाँ पे वन, देखो तो यहाँ सब एक दूसरे से कट गया, हमें रियल जीरो मिल गया, तो ये जो आंसर आया एक्स बराबर वन, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो जो अब बनेगा ना, इससे हम लोग क्या करें, इसमें भाग करेंगे, ये क्लास एट्थ में दिया गया सवाल कई बार और नाइन्थ में भी कई जगह मिल जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा इसमें बता देता हूँ फिर से। तो एक्स क्यूब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस एक कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन उतारेंगे तो यहाँ पर देखें एक्स से तो माइनस वन गुणा करें माइनस एक्स प्लस वन, तो ये भी यहाँ पे कट गया, तो सब कटने के बाद रिजल्ट आया जीरो, हम लोग को मिला एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो जो मिलता है ना उसका भी करना पड़ता है हम लोग को फैक्टर, ये साइड में बता देते हैं, जो एक्स स्क्वायर माइनस वन आया इसका फैक्टर करेंगे तो मिलेगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन मिल जाएगा, तो हम लोग टोटल जो फैक्टर मिल गए, पहला एक्स बराबर वन मिला, इस इसको ले सकते हैं एक्स माइनस वन जो लिखा था, या फिर ऐसे ले सकते हैं, तो हमें एक्स माइनस वन दो बार मिल रहा है, एक्स प्लस वन भी मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, थ्री एक्स प्लस फाइव और x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि सेम वैल्यू मैच हो रही है, दोनों देखो सेम है, और x प्लस वन अलग लिख दिया, इतना हो गया। अब ये बन गया सिंपल फॉर्मेट में, अब आंसर भी हम तोड़ लेते हैं, आंसर भी जो तोड़ेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन, तो सिंपल था। अब जो मेन आंसर बिन होता तो इधर होता, तो a अपॉन x माइनस वन
बी अपॉन क्या आएगा बता सकते हो आप लोग कमेंट्स में, बताइए क्या है कमेंट्स करके फटाफट। अगर पहले कमेंट्स कर लीजिए वीडियो देखने से पहले क्या करें, कई बार लगा चुके हो तो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब इसको दो बार लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे होल स्क्वायर सी अपॉन एक्स प्लस वन हो गया। तो यहाँ एलसीएम आएगा एक्स माइनस वन, या फिर कह सकते हैं इसको दो बार लिखना अच्छा, एक बार होल स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर एक्स प्लस वन, तो ए के साथ आ जाएगी। यहाँ पर चल रहा था चलने देते हैं कि हमें कट करने से लिख देते हैं, आसान रहेगा समझने में। तो ये पार्ट तो हो गया, अब यहाँ a के साथ x माइनस वन कटेगा, एक x माइनस वन बचेगा, b के साथ x प्लस वन यही बचा, ये कटा एक बचा और यही बचा, b के साथ क्या होगा x स्क्वायर पूरा हट रहा है x माइनस वन का, उसका क्या बचेगा x प्लस वन, c के साथ ये कटेगा आएगा x माइनस वन, ठीक है केवल x माइनस वन आया, क्या ये आया तो ये पूरा होल स्क्वायर आएगा ना, ये और ये कट जाएगा, थ्री एक्स प्लस फाइव चल रहा है, यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स ए माइनस बी ए प्लस डायरेक्ट कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुणा करने के लिए फॉर्मूला बनना है तो यहाँ गुणा करेंगे बी एक्स प्लस सी प्लस बी आ जाएगा, सी से करेंगे मिलेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स आ जाएगा, गुणा करेंगे मिलेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस टू सी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा देखो मैं एक्स स्क्वायर ए प्लस सी मिल जाएगा, फिर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा बी माइनस टू सी, ठीक है एक्स स्क्वायर वाला काम खत्म हो गया, एक्स वाला हो गया और कोई बचा है केवल नॉर्मल फॉर्म बचे हैं माइनस ए और प्लस बी प्लस सी, हमेशा काउंट कर लो मिस्टेक हो जाती है गलती से जल्दी बाजी छूट जाता है तो काउंट कर लिया हमेशा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तीन दो पाँच दो सात, तो कोई एक छूट गया देखते क्या एक दो तीन चार पाँच छः सात, सॉरी सात ही थे तो यहाँ पे सात है तो यहाँ पे सात मिले, कोई मिस्टेक नहीं अभी तक। अब तुलना कर लेते हैं, तुलना करने पे क्या दिख रहा है हमें कि एक्स स्क्वायर तो है नहीं, इसका मतलब ए प्लस सी क्या मिल गया जीरो, समीकरण एक हो गया, फिर यहाँ एक्स एक्स से कटेगा तो क्या मिलेगा बी माइनस टू सी, बी माइनस टू सी बराबर कितना आएगा तीन के, और वही लास्ट क्या बनेगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके हैं पाँच के, तो बन गया समीकरण नंबर तीन। समीकरण एक दो तीन को हल करेंगे, अब यहाँ पर समीकरण एक दो तीन है तो इनको हल कैसे करें, तो हम लोग क्या करते हैं ए से मान निकाल लेते हैं सी को और यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं हर जगह, तो चूंकि समीकरण ए प्लस सी बराबर जीरो तो ए मतलब क्या हो गया माइनस सी हो गया, तो समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो में जब रखेंगे a बराबर क्या है माइनस सी, तो यहाँ हमको रखने की जरूरत तो है नहीं, पहले से सिंपल फॉर्मेट दिया फालतू रख लेते हैं, कहाँ रखना है थर्ड में रखना है, समीकरण नंबर थर्ड में रखें क्योंकि वहाँ पे a था ही नहीं, जब a की वैल्यू क्या है माइनस सी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी, इसके बाद b प्लस सी ऐसे ही है बराबर कितना हो जाएगा पाँच, तो c और c कितना हो गया टू सी बराबर पाँच, बन गया समीकरण नंबर चार बन गया। तो समीकरण नंबर तीन और चार को क्या करेंगे, हल किसको करेंगे जो इजी दिख रहा है बी से, हाँ समीकरण दो और चार को हल करेंगे, तो जब समीकरण तीन चार को हल करेंगे तो लिख लेंगे दूसरा क्या है बी माइनस टू सी बराबर तीन और यहां पे बी प्लस टू सी बराबर पांच, तो यहां देखो पहले से बी भी बराबर सी भी बराबर, लेकिन निशान किसका अंतर है सी का, तो जो सी का बराबर काट देंगे तो बी और बी टू भी हो गए, पाँच तीन आठ ये काटा बी का मान आ गया चार, तो बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई चार मिल गई। अब ये बी का मान कहाँ रखेंगे हम, जहाँ इजी दिख रहा है वैसे इजी फॉर्मेट हमें दोनों ही नहीं है कहीं रख लेते हैं, तो बी का मान समीकरण दो में रखते हैं, समीकरण दो कितना हम लोग का बी माइनस टू सी था है ना, बी माइनस टू सी बराबर तीन, तो बी का मान चार है टू सी ऐसे रखा बराबर तीन, तो टू सी माइनस ये थ्री उधर आएगा माइनस चार हो जाएगा, तो माइनस टू सी बचा था तो यहाँ आया माइनस का वन, तो सी की वैल्यू आ गई वन बाई टू, तो हमें बी और सी तो मालूम हो गया, अब किसका मान निकालना ए का मान, तो हमें पता है ए प्लस सी बराबर जीरो है तो ए किसके बराबर सी के, तो ए का मान क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन टू आ जाएगा, हम लोग जो स्टार्टिंग से लिखा था अब सारे मान रख लेंगे, तो आई बराबर सवाल चल रहा है इंटीग्रेशन लगाए ए का मान कितना है माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, बी का मान कितना है यहाँ पर फोर और वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी का मान है वहाँ पे वन अपॉन टू वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ये सारे मान हमने यहाँ पुट कर लिए प्रॉपर, तो देखो यार फिर से यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ नॉर्मल फॉर्म पर ये फॉर्मूला बन रहा है किसके बन रहे हैं लॉग के, तो माइनस वन अपॉन टू ये लॉग
एक्स माइनस वन हो जाएगा या फोर, यहाँ पे नहीं बनना तो यहाँ लेट करेंगे, अगर साइड में बताएं तो एक्स माइनस वन को जब टी मानेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको। तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिख लिया डी टी अपॉन टी स्क्वायर वन अपॉन टू, ये बन गया लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर टी की घात ऊपर जाएगी तो ये तो पता ही है कि टी स्क्वायर है तो घात जाएगी माइनस वन हो जाएगा, और ये हमने पहले भी कर चुके प्लस टू से माइनस वन करेंगे आएगा प्लस का वन आएगा, तो आ जाएगा कितना फोर टी आ जाएगा, है ना भाई। प्लस टू ऊपर जाएगा हम लोग उसे प्लस वन करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का वन अपॉन टी नीचे, साइड में बता देते हैं आपको, माइनस टू ऊपर जाएगा प्लस वन करते हैं हम लोग तो क्या बोलेगा टी घात माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो ले सकते हैं माइनस वन अपॉन टी ले सकते हैं, तो वही यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो माइनस पहले से आ जाएगा यहाँ पर चार वन अपॉन टी आ गया, ये तो सॉल्व हो चुका है, इसमें कुछ करना ही नहीं हम लोग को। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है लॉग वाले, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो वन अपॉन टू लॉग वाले में एक साथ कॉमन ले लिया, और इसको ले सकते हैं हम लोग प्लस वाला आगे रहता है ऊपर और माइनस वाला कहाँ आता है नीचे, तो कई बार लगा चुके पता हो गया सब लोग को। और फोर टी, टी हम लोग किसको माना था यहाँ पे एक्स माइनस वन को, तो फोर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 18 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस टू अपॉन ई की पावर टू एक्स प्लस फोर डी एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग कि ये पहले से माइनस प्लस लगा तो इस दोनों पार्ट को पहले अलग कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स को जो टू एक्स है ना इसको ले सकते हैं होल स्क्वायर, और ये एक स्टेप बचाने तो लोग पहले पहले स्टेप कर लेते हैं। चार क्या हो दो का स्क्वायर कर लिया, जो माइनस टू है अलग पार्ट में जाएगा, तो माइनस टू वन अपॉन क्योंकि ये तो अलग हो गया, तो ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर मिल जाएगा हम लोग को। तो इस वाले पार्ट्स में क्या करना है सॉल्व करना है, देखिए क्या आएगा यहाँ पर। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग पहले, इसको करते हैं बाद में, तो i बराबर चल रहा है, एक साथ सॉल्व करना कन्फ्यूजन करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं i1 मान के इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आई वन क्या है e की पावर x का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम जब लेट करेंगे e की पावर x को, तो ध्यान देखिए लेट x e की पावर x बराबर t माना, तो हमें पता है e की पावर x dx बराबर dt वापस आ जाएगा, जो यहाँ से मैच हो रहा है, इसको साफ साफ लिख देते हैं। आपको राइटिंग में दिक्कत हो प्लीज़ उस पर थोड़ा समझिए कि थोड़ी मेरी राइटिंग बहुत अजीब सी है, कहीं कहीं लगता है कुछ वर्ड्स अजीब से हो जाते हैं। तो e की पावर dx dt के बराबर था, तो यहाँ क्या आ जाएगा dt, तो यहाँ dt हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो ये देखोगे एक फॉर्मूला बनना है, किसका बनना फॉर्मूला टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बनना लॉग टेन का होता है, तो वन अपॉन ए, ए यहाँ टू है और टेन इनवर्स टी अपॉन ए, ठीक है। हम लोग मान रखते हैं टी किसको मानते हैं हम लोग ई की पावर एक्स को, तो ये भाई ये पार्ट तो आई वन वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं आई टू वाले पार्ट की, तो हम लोग आई टू क्या मान लें इतने को, टू को इग्नोर करते हैं हम लोग इतना सॉल्व करते हैं पहले, तो यहाँ पे देखेंगे तो I2 क्या है e की पावर x की पावर होल स्क्वायर है प्लस फोर, इसको होल स्क्वायर से हम वापस लाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पता है क्या करना है, इसको ऐसे रहने दिया प्लस फोर। तो याद रखो मैंने कई बार पहले भी बताया था जब e की पावर x सवाल आते हैं, तो याद रखो अगर e की पावर x नीचे है तो हमें किसी भी हाल में ऊपर भी चाहिए होगी, e की पावर x से कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि e की पावर x का अवकलन करोगे तो भी e की पावर x आता है, समाकलन करोगे तो भी वही सेम आता है, तो हमें अगर नीचे मानेंगे तो ऊपर भी वही आ जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमें e की पावर 2x कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे इसके पास तो है तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसके पास नहीं है तो 4 अपॉन 2x बटे में आ जाएगा, ठीक। अब ये पार्ट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस 2x बन जाएगा, यहाँ 1 ऐसे यहाँ भी क्या बन जाएगा e की पावर माइनस 2x बन जाएगा, समझ गए। इतना पूरा पूरा का बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कितना पार्ट मानेंगे 4 है, तो चाहो तो 4 को हटा दें, 4 सही थी मान लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा, तो लेट किया उन्होंने 4 e की पावर माइनस 2x को t माना, तो 4 तो 4 रहेगा कोई मतलब ही नहीं है, d अपॉन डी एक्स e की पावर माइनस 2x dt बाई डी एक्स, ये एक्सप्लेन कर देना आपको। तो जब इसको फिर से हम कुछ मानेंगे तो क्या आएगा e की पैसे अवकलन करते हैं e की पावर p मान ले तो p आ जाएगा, p किसको माना वो बगल रख देंगे हम लोग माइनस 2x, तो हम लोग को देखेगा e की पावर p मतलब क्या होगा e की पावर p, p हम लोग माना था किसको यहाँ पर 2x को माना, तो वहाँ पर माइनस 2x रख दिया, और जो 2x करेंगे तो x का 1 हो जाएगा तो माइनस 2 मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे dt बाई डी एक्स हो जाएगा, तो चार दोनों 8 बन रहा है, तो हम लोग को माइनस का 8 यहाँ को है नहीं एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट हटा दे, यहीं पर माइनस 2x रखा और 1 बाई 8 यहाँ से हटा दिया, और dx यहाँ चाहिए था वो रख दिया यहाँ पर, बराबर वो क्या है dt चल रहा था। तो ये सारी वैल्यू देखो यहाँ मैच हो रही है किससे, ये पूरा पार्ट मैच हो रहा है इस वाले पार्ट से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाए कितना माइनस वन अपॉन, अब बराबर क्या चल रहा था I2, हम इसे I2 लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो I2 बराबर वन अपॉन एट माइनस का, और e की पावर dx पूरा हट चुका है, यहाँ हो गया dt अपॉन में क्या हो गया
ये पूरा पार्ट्स को हमने पूरा माना था कहाँ, ये हाँ ये हमने पूरे को टी मान लिया था, वन को भी टी मान लो, काम खत्म को मतलब तो है नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा, ज़्यादा इजी रहेगा, फालतू उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो ये हमने माना था टी, तो वन वन का जीरो हो गया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बाकी सब तो पूरा टी मान लिया, तो बन गया वन अपॉन टी। अब ये बन गया फॉर्मूला किसका, लॉग का हो गया, ये बन जाएगा लॉग टी। अगर कन्फ्यूज हो फिर से देख लो, मैं बता दूँ कि मैंने बाद में चेंज किया, कन्फ्यूज हो रहा है, देखो इगी पॉइंट इस कॉमन लिया था, वन प्लस फोर अपॉन इगी पॉइंट टू एक्स बना, ये पावर नीचे ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, ऐसे हाल यहाँ भी फोर के साथ भी होगा, और नीचे वाले पूरा माना वन का जीरो और इगी पॉइंट टू सॉल्व करेंगे तो हम लोग इतना मिल जाएगा, ये जो आंसर आ रहा था इतना मिल जाएगा, जो नीड होगी वन अपॉइंट एट को बाहर कर दिया, फिर लॉग टी था वन अपॉइंट टी, लॉग टी बन जाएगा या मान रख देते हैं, टी माना था हम लोग यहाँ पे वन प्लस फोर इगी पॉ माइनस टू एक्स प्लस सी को, है ना, ये हमने इसको मान लिया था इतना। अब देखो ये सवाल ऐसा नहीं कि अगर जो एक्सरसाइज में दिए गए है आंसर में तो आंसर भिन्न से करना है, आपको जो समझ में आए, मैंने कई बार कहा कि आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो समझ में आए, जो समझ में मैथड है वो लगाना होगा, क्योंकि आंसर वेरिएशंस आएगा पेपर में जब करोगे तो आपको ये तो नहीं पता होगा ना कि आंसर भिन्न से करना है कि इस लेसन का उस लेसन का, वो मिक्स होता है, तो आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इन चीज़ों को प्रॉपर करना पड़ेगा, कोई फिक्स नहीं है कि यही आंसर लाना है, अगर सिद्ध करने में आता है प्रूफ करने में आता है तो आपको लास्ट आंसर वो लाना ही होगा, लेकिन आपको सिर्फ सॉल्यूशन में करना हो तो फिर आप वही जो आपको सही लगे वही आंसर ला सकते हो। तो अब यहाँ पर वापस मान रख देते हैं, देखो हमें कहाँ से आई वन आई टू माना था, तो ये सवाल था, तो ये फर्स्ट पार्ट आई वन था, ये आई टू, तो इस पूरे को आई वन माना था, तो लिख देते हैं चूंकि आई बराबर क्या था, आई वन माइनस टू आई टू, इतना आई टू मान, अब यहाँ सबके मान रख लो, तो आई वन का मान कितना आया था, आई वन का आंसर आया था इतना, वन अपॉन टू टेन इनवर्स ई की पावर एक्स हो गया, और आई टू वाला पार्ट जो था यहाँ पर आई टू का जो अभी निकाला मैंने आंसर, हाँ ये आई टू का आया है, तो ये मान यहाँ रख देंगे, तो माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आठ नीचे आ जाएगा, लॉग वन प्लस फोर इगी पावर माइनस टू एक्स प्लस सी, अब दो से आठ कट जाएगा चार आ जाएगा, चौथ तो यहाँ से कॉमन वन बाई फोर ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू टेन इनवर्स इगी पावर एक्स प्लस लॉग वन प्लस फोर इगी पावर माइनस टू एक्स प्लस सी आंसर। सवाल नंबर 19 जो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, तो ये काफ़ी सिंपल दिया गया आपको समझ में, अब आ गया आप खुद ही बताते जो कमेंट्स कर में आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या पहले स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर, क्या कोई तोड़ने जरूरत है, नहीं सीधे आंशिक भिन्न के रूप में। जो आंसर बिल्कुल सीधे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और ए के साथ अपॉन में आए कितना, ए बराबर एक्स माइनस वन, बी के साथ क्या आएगा एक्स माइनस टू, और सी के साथ आएगा एक्स माइनस थ्री, तो सबका एलसीएम लेंगे मिलेगा हम लोग को एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे ये चल रहा है ऐसे ही एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, तो ए के साथ एक्स माइनस वन कटेगा मिलेगा हम लोग को एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, बी के साथ क्या मिलेगा ये कटेगा तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और सी के साथ ये कट जाएगा तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू मिल जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा थ्री एक्स माइनस वन, यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स बन जाएगा माइनस का फाइव एक्स, तीन दो नीचे है तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम, और यहाँ पर बी के साथ भी करेंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देखो अब अगर आपको डायरेक्ट करना समझो यहाँ से माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर इस एक्स का तीन में करेंगे माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस माइनस कितने माइनस का फोर एक्स प्लस का तीन, यहाँ भी ऐसे करते हैं देखो एक्स का एक्स में क्या एक्स स्क्वायर मिला, एक्स का टू में तो टू एक्स आएगा, वन का करें वन एक्स, माइनस का है तो माइनस का थ्री एक्स हो गया प्लस का टू आ गया। अब तुलना करते हैं लेकिन उससे पहले कहा हमें मल्टीप्लाई करना है, अभी थ्री एक्स माइनस वन बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ए एक्स प्लस सिक्स ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस फोर बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री सी एक्स प्लस टू सी, तो चेक कर लेते कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार मल्टीप्लाई चेक करते हैं ए एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस सिक्स है बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी एक्स प्लस थ्री बी थ्री सी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री सी एक्स प्लस टू सी, सारे सही है। तो तुलना करने के बदले पहले हमें उसको कॉमन लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर ए और फिर प्लस का बी फिर प्लस का सी फिर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स में कौन आ रहा है माइनस का फाइव ए इसके बाद आ रहा है माइनस का फोर बी और फिर एक्स में आ रहा है माइनस थ्री सी, तो हमें सारे एक्स वाले मिल गए। अब बिना एक्स वाले कौन कौन से बचे, तो यहाँ बचा है सिक्स ए और फिर थ्री बी और इसके बाद आ रहा है प्लस का टू सी, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे तुलना स्टार्ट करेंगे और गिन लेते कोई छूटा तो नहीं है, एक दो तीन
चार पांच छह सात आठ नौ, तो यहां तीन तीन छह तीन नौ, तुलना स्टार्ट करते हैं। तुलना करने पर क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो मिल जाएगा। फिर x यहाँ पर है तो x एस कटेगा क्या आएगा, तीन आएगा, तो माइनस का फाइव है प्लस माइनस का फोर बी माइनस थ्री सी बराबर क्या आएगा थ्री एक्स, तो x तो कट ही चुका है तो मिल गया सब तीन मिल गया। अब देखो अगर माइनस चाहो तो हटाना तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कॉमन लेके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहीं पे ऐसे कर लेते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन को सिक्स है प्लस थ्री बी प्लस टू सी बराबर माइनस का वन, समीकरण बन गया तीन। तो जब एक दो तीन यहाँ बन गए तो यहाँ पर देखो किसको हटाना है, तो पहले हम समीकरण एक दो से हटाएंगे सी को, फिर दो तीन से भी हटाएंगे सी को, क्योंकि सी को हटाएंगे फिर ए बी को भी एक डिसाइड कर सकते हो, तो फिलहाल सी को हटा रहे हैं। तो समीकरण एक में कितने गुणा करना है, सी हटाने के तीन का गुणा करना पड़ेगा, तथा समीकरण दो इन दोनों को हल कर ले रहे हैं। तो समीकरण एक में तीन गुणा करें क्या बन जाएगा, थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी बराबर जीरो, और ये नीचे ऐसे रहेगा माइनस का फाइव ए माइनस का फोर बी माइनस थ्री सी बराबर तीन, ये प्लस माइनस कट गया, थ्री में गया कितना आया टू आएगा, माइनस के बड़ा है, यहाँ पे फोर भी कटाएगा माइनस बी आएगा, यहाँ पे तीन आ जाएगा, समीकरण बन गया चार। इसी तरह से हल करेंगे हम लोग समीकरण दो तीन को देखेंगे, तो समीकरण दो में क्या है सी के साथ, यहाँ तीन सी यहाँ टू सी है, तो गुणा करना पड़ेगा दो का। तो समीकरण दो में गुणा कर लेते हैं दो का, और समीकरण तीन में कर लेते हैं तीन का, तथा समीकरण तीन में गुणा कर लेंगे तीन का। जब ये गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा, दो का गुणा करने पर आएगा माइनस का दस, दो से किया दो से पूरे में करेंगे तो माइनस का दस ए माइनस का आठ बी और माइनस का सिक्स सी बराबर आया कितना, दो तिया छह, दो से किया फिर से देख लो, दो पंच दस दो चुको आठ, दो तीन छह और दो तिया छह आ गया। फिर तीन से करेंगे तो आएगा अट्ठारह, छह त्रिक अट्ठारह हो गया, प्लस तीन से किया तीन त्रिक नौ हो गया, ठीक है, और यहाँ दो तीन छह यहाँ प्लस का सिक्स सी आ गया बराबर तीन से किया माइनस तीन, तो फिर से चेक कर लो कुछ छूटा तो नहीं है, अट्ठारह नौ छह माइनस में तीन से गुणा करने पर मिल जाएगा। तो यहाँ सी से कट गया तो दस में अट्ठारह का कितना बचा, आठ बचेगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, ऐसे यहाँ कटाएंगे आठ से नौ कटाएंगे तो प्लस का बी आएगा, बी की वैल्यू बड़ी है, छह में देंगे तीन, समीकरण बन गया ये कौन सा चार, तो पहले से था बन गया पांच। अब समीकरण चार पांच देखेंगे तो यहाँ पर बी पहले से बराबर है, इनको हल कर लेते हैं समीकरण चार व पांच। तो चार में क्या दिया है, माइनस का टू ए प्लस बी बराबर टू ए माइनस बी बराबर यहाँ पर तीन है, और यहाँ पर है एट ए प्लस बी बराबर तीन, तो यहाँ देखो प्लस माइनस कट गया, टू में आठ कितना बताया छः, और यहाँ हो गया तीन तीन छः, तो छः छः कट गया, ए के मान आ गया वन। अब ए के मान को कहाँ रखें, जो इजी दिख रहा है चौथा है या पांचवा, इजी कौन सा पांचवा, क्योंकि यहाँ पर प्लस के फॉर्म में दिया गया है, तो ए का मान ए का मान समीकरण पांच में रखा तो ए मतलब एट इंटू वन प्लस बी स्क्वायर टू थ्री, तो बी बराबर हो जाएगा तीन, आठ कम आठ घटा देंगे मतलब प्लस का माइनस बन जाए माइनस का पांच, तो बी का मान आ गया माइनस पांच। तो ए और बी की वैल्यू मालूम चाहिए, इन बी वैल्यू और सी तो अभी रह गया, तो ए बी के मान कहा रखेंगे, समीकरण फर्स्ट जो इजी है समीकरण एक से, तो ए क्या दिया ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ए का मान निकाला वन, बी का मान माइनस वन और सी का मान जीरो है ना, तो यहाँ आएगा पांच में क्या माइनस चार प्लस सी, तो सी का मान आ जाएगा प्लस का फोर, तो मैं सारे मान ए बी सी के फाइंड कर लिए। अब कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, आई बराबर चल रहा है, फिर सवाल कुछ और नोट कर सकते हो बातें की, तो ए का मान यहाँ कितना निकला हम लोग का वन, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा, बी का मान कितना है यहाँ पर माइनस का फाइव, तो माइनस फाइव वन अपॉन एक्स माइनस टू आ जाएगा, और सी का मान आया प्लस का फोर, तो फोर बाहर रखा वन अपॉन एक्स माइनस थ्री आ गया, सारे मान जैसे लिखे वैसे लिख लिए, और सब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, ये बन जाएगा फाइव लॉग एक्स माइनस टू, और ये बन जाएगा फोर है लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी, इसको लॉग पे ही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर हम इसको एक साथ कंबाइन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पावर फाइव करना पड़ेगा यहाँ पावर थ्री करना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा, तो ज्यादा आसान दिख रहा है क्वेश्चन लिखा ये आंसर। तो ये एक्सरसाइज जो हम लोग की सेवन एंड थी खत्म हुई है, तो सारे सवाल आपको समझाया मैंने, आप कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, कि मुझे एक फील आएगा कि मैंने आपको कितने अच्छे समझाया, और आपको आगे एक्सरसाइज प्रॉपर मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए फ्री कोई चार्ज नहीं पड़ता, लेकिन इससे आपको फायदा और हमारा फायदा है कि हमें आपको सपोर्ट देखेगा, मेरी फैमिली बनती जा रही है कि 17,000 हम लोग पहुंच चुके हैं, आगे जाके 50,000 लाख को पहुंचना चाहते हैं, तो आप लोग को लाइक अगर मिलते रहेंगे और सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये भी एक चीज अचीव कर लेंगे, बस आपको भी फायदा मिलेगा कि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना देखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट साइज में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।